स्वागत है सभी लोगों का. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अ ब्रांड न्यू स्ट्रीम. वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. स्वागत है सभी लोगों का. वेरी वेरी वेलकम. ओमकार हेलो. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. हर्षदीप नेहरा बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. देन वी हैव नाइट बॉट. वही सानिया उपल बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. ओमकार हेलो. एस के जोशी बहुत स्वागत है ब्रदर. कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो? थैंक यू फॉर जॉइनिंग. ओमकार अगेन हेलो. नाइट बॉट फैंटास्टिक. जो लोग भी स्ट्रीम पर है प्लीज़ टू कॉमेंट. राइट, मेक श्योर यू आर लॉक्ड इन एंड यू आर कॉमेंटिंग. 30 seconds कॉल आउट योर नेम्स एज वेल गाइज. इतना तो करना एंड लाइक ज़रूर कर देना. आप लोग जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. एंड यू नो इन केस इफ यू हैवन लाइक्ड इट प्लीज़ डू दैट. प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. इट एक्चुअली हेल्प्स मी. सो आई सीक योर असिस्टेंस. थैंक यू. सो बेसिकली आज कुछ मीटिंग है. द कैरेक्टर दैट आई एम एक्चुअली प्लेइंग इज एक्चुअली अ क्रिमिनल. राइट, एंड आई विल बी डूइंग लाइक आई एम नॉट डूइंग अ मीटिंग, आई एम एक्चुअली अटेंडिंग अ मीटिंग. और वो देखते हैं कि आज कैसे ज़्यादा है सारी चीज़ें. सो इट्स गोइंग टू बी फन. तो देखते हैं एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. आई रिकमेंड कि आप सभी लोग एंजॉय कीजिए. सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हैव फन हियर. कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज बोलिएगा मुझे. सो लेट्स डू दिस. थैंक यू. कनेक्ट चैनल स्विच्ड. उसके पास करना पड़ेगा. वेरी वेलकम एवरी वन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं बट नॉट कमेंटिंग. प्लीज डू दैट. प्लीज लॉग इन एंड प्लीज कॉमेंट. राइट, सो एटलीस्ट आई कैन वेलकम यू बरी. थैंक यू सिद्धार्थ. हेलो एरिक सर. वेरी वेलकम सिद्धार्थ. अच्छी अगले ट्यूजडे लाइव निशांत भैया के साथ. अरे वाह, क्या बात है. देखा, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ. मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन. वेल्यू भी. हेलो सेमो. यस यस, बली पाजी ने शेयर कर दिया. नाइस. जतिन एक्स गिविंग बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. वेरी वेलकम एवरीबॉडी. स्वागत है जतिन एक्स गेमिंग. हेलो. थैंक यू. अरे थैंक यू किस बात की? आपके अंदर टैलेंट है, मैंने इसे सिर्फ अलाइन कर दिया है बस. सो दैट यू कैन एक्चुअली शोकेस योर टैलेंट. तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है. कभी शायद निशांत भाई के साथ भी खेल लेंगे कुछ ना कुछ. फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ. हाँ सही बोला जतिन. आई अपोलोजाइज एंड आई रिस्पेक्ट दैट. सो थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. हो जाता है गलती. जेमो हेलो. आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज. सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. लेट मी सी टू हैव द एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है. एक हफ्ता हम में से सबको अपना खराब करना पड़ेगा पूरे महीने में से, जिसमें हमें 1,00,000 रुपए पूरे हफ्ते में करना पड़ेगा. ठीक है ना? चाहे वो बाबू भैया आप हो, चाहे ल्यूकस तू हो भाई. मतलब ठीक है कल. तो 1,00,000 रुपए हफ्ते में. हाँ आरजे सर, ताऊ जी के घर आ जाइए. हाँ मेरे पास कुछ है नहीं. आई एम सो सॉरी, मैंने बीच में ऐसे इंटरप्ट किया. आप कुछ बात बोल रहे हो. मैं एक्चुअली मोटेल्स के पास आया हूँ. मेरे पास गाड़ी वाड़ी तो है नहीं यहाँ से. पॉइंट ये है. तो हाँ जी हम रेडियो पे ही बात कर रहे हैं. आप कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा. ओके परफेक्ट फैंटास्टिक. और आप आ जाइए, आपको भेज रहे हैं हम एक बंदा लेने. ओके राइट मैं पिलबॉक्स के पास जा रहा हूँ. ओके राइट. थैंक यू. एक बंदा चले जाओ लेने यार. हाँ अच्छा सर को. हाँ जाओ. हाँ दूसरी चीज क्राफ्टिंग के बारे में अब बात करते हैं. देखो हाँ बोलो. सभी लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस. लुकस ने रखा है कि लाइक दो बंदों को 1,00,000 रुपए का चुप गया है. वो लुकस जब सबको समझा देगा, बाकी तुम्हारे वोट के ऊपर है. हाँ बोलते हो तो मान जाएंगे, ना बोलोगे तो नहीं मानेंगे. वो आइडिया है. ठीक है, एग्जीक्यूट करके अगर हम देखते हैं एक प्लान को, लाइक हफ्ते का एक बंदा 1,00,000 रुपए दे रहा है, तो एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई. मतलब करके देख लो. तो कोई चीज़ है कि लाइक बस ना बोलो.
अरे सुनो, अगर 15 साल के साथ तुम बंदे को और एक हफ्ते में आराम से 1 लाख हो जाते हैं। हाँ तो ठीक है, नहीं तू समझा नहीं, तू समझा नहीं, रिफंड मैं बता देता हूँ। मैं और जो बंदा 1 लाख रुपए देगा, ठीक है, जो बंदा 1 लाख रुपए देगा वो दिन का 15,000 अलग से देगा। हेलो श्वेता, कैसे हो? लाइक जरूर करना श्वेता। के बाद तुम्हारे 1 लाख अलग। थैंक यू वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीवन। आप लोग शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ में, ऐसी मत जाने दो। ऐसा है मेरे भाई कि सिर्फ एक हफ्ता बंदे का जाएगा जो ग्राइंड में, बताए एक हफ्ता, बाकी के 3 हफ्ते वो सिर्फ 20,000 देगा, समझ रहा है? 20-15 मतलब जो बंदा जिन्होंने अभी 15,000 बोले वो 15,000, और जो लाइक जो 20,000 बोल रहे हैं वो 20,000 देंगे, समझ रहे हैं ना? मतलब वो एक हफ्ता तक कि यार देख, एक बंदा हमें ऐसा चाहिए जो लाइक कैडी वाली ग्राइंडिंग करे, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं है एनएक्स और एक दो बंद रॉकी को छोड़ के कि कैडी वाली ग्राइंडिंग करना चाहिए, तो इसलिए सब में डिवाइड हो जाएगा कि कोई बोर ना हो, समझ रहे हैं ना भाई? कि कोई बोर ना हो भाई। हाँ बोलो। मैं बोलूं अभी अगर बंदे 15-15 कह रहे हैं ना, फिर उनसे नहीं हो पाएगा। जो जो 15 कह रहे हैं उनसे 1 लाख नहीं हो पाएगा, देखिए भाई करना पड़ेगा भाई, उसमें हम कुछ कोई कर सकते हैं। हाँ एनएक्स का ये जो निक भाई की जो भी अभी प्रॉब्लम है वो कह रहे हैं जब तक उन्हें नहीं देंगे ना, जैसी उनकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी उन्हें दे देंगे। बाबू भाई को करना पड़ेगा यार, कर क्या कर सकते हैं हम बता। अब हर चल फिर तो मैं इसको अपने साथ रखता हूं, इसके मैं करवाऊंगा साथ में। हाँ तो वो तेरे ऊपर है, तू देख ही लेगा इसे, ठीक है ना? करना पड़ेगा यार, अब ये मजे करने के लिए कोई हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हो गए बहुत मजे। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन बोलो? आवाज नहीं आ रही मेरे को किसी की। मैं कह रहा हूँ 1 लाख वाला एग्जीक्यूट करते हैं, अभी मत चेंज करो, बाद में देख लेंगे, अभी करो तो सही 1 मंथ के लिए। क्या हो गया भाई? रेडियो पे बोलो जो बोल रहे हो, रेडियो पे बोलो जो बोलना है। मैं बोल रहा हूँ भाई कि 1 लाख दो बंदों को देने के बजाय 4 बंदों को 50-50,000 दे दो, फर्क क्या पड़ेगा? अबे तो बंदों में काम डिवाइड हो जाएगा ना भाई, एक बार बताओ पूरे नहीं, दिन ग्राइंड थोड़ी ना करते रहेंगे बंदे भाई। एक हफ्ते की तो बात है, बाकी के 3 हफ्ते करो ना मजे। 20,000 तो भाई एक डेढ़ घंटे में हो जाते हैं फिशिंग करके, समझ रहे हो मेरी बात? क्या कह रहा हूँ मैं भाई आपको? कोई आया इधर? अच्छा आ गया कालिंदो का, समझ रहे हो निक भाई? समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ? एक हफ्ते की बात है वो, लाइक तेरे अगर बेल्ट पहन लिया 1 लाख रुपए हो जाते तो तू 3 दिन में 1 लाख रुपए दे देना भाई, उसके बाद तू पूरे 4 दिन तो फ्री है। एक बार बता, मैं थोड़े दिन में सिर्फ 2-2 घंटे खेला करूंगा, ठीक है, उसमें भी 1 घंटा मेरा ग्राइंड हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1 लाख अगर देना पड़ेगा तो तू समझ रहा है? देख सच्ची बात हूँ, देख गैंग में सबसे ज्यादा मेन चीज है ग्राइंडिंग, अगर वो ही नहीं हो पाएगी तुमसे तुम मजे क्या ही करोगे? वही तो बात है भाई, ये गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं, तू खड़ा है यहाँ पे, तेरे जेब में गन है, जो भी है ग्राइंडिंग की वजह से वो आया है, ना ड्रिल खुलती ना ग्राइंड आती, ना ग्राइंड होता ना ड्रिल खरीद पाते, समझ रहा है? अरे ग्राइंड वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट है यार। अच्छा एक बात, हे तेजस्वी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, आ गई मैं, थैंक यू तेजस्वी, मींस अ लॉट, बाद में ले लेंगे, बात खत्म कर लो, वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम, लाइक जरूर करना तेजस्वी, एंड जस्ट हैव फन, ऑलराइट, कुछ समझ में ना आए तो सवाल पूछना, इट्स गोइंग टू बी फन तेजस्वी, ट्रस्ट मी, मजा आएगा, ठीक है, थैंक यू फॉर द हार्ट्स, जेब भरती खाली करके जाओ, जेब मैं भी आ गई, थैंक यू सो मच सानिया, थैंक यू, बाप रे, गाड़ी में खाली करके, थैंक यू, वेरी वेलकम लेडीज, वेरी वेलकम, थैंक यू सो मच, दिख रहा है तुम्हें, मींस अ लॉट यार, सामान दे दो वो, ताकि बस एक बार करने को कह रहा हूं, क्राफ्ट रिसाइकल तो करनी नहीं है 2-4 बार तुम्हें, सिर्फ एक बार जाओ, थैंक यू तेजस्वी, और लाइक करना बहुत जरूरी था, बने रहो, एंजॉय करो, क्वेश्चन भी पूछते रहो, मोर देन हैप्पी, हां हां मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था, बी एन इंटरेक्टिव स्ट्रीम एक्चुअली, भाई यार मत बोल निक साले, क्या हो गया भाई, रेडियो पे बोलो भाई जो बोल रहे हो, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब रिसाइकलिंग सिर्फ एक बार करनी है भाई, दिन में सिर्फ एक बार अपनी गाड़ी लेके जाओ, अपनी जेब भरो, गाड़ी में सामान डालो, और फिर दोबारा से एक बार रिसाइकल कर लो, रिसाइकल सिर्फ एक बार करने को कह रहे हैं, रिसाइकल भी बहुत इंपॉर्टेंट। करुष 10 वेरी वेलकम, हाउ आर यू डूइंग? इस वजह से 15 मिनट, इट्स बीन अ व्हाइल दैट यू हैव जॉइंड इन, कैसे हो आज, हाउ आर यू एंड वेयर आर यू करुष? 15 मिनट मान लेना, बहुत सामान मिल रहा है आजकल, क्योंकि वो गाड़ी में रखेगा करेगा, 15 मिनट का काम है, एक बार रिसाइकल कर लो ताकि सामने वाले को भी सोचना ना पड़े, कुछ भी बनाना है वो बना सके, आर्मर्स भी इंपॉर्टेंट है, कर रहे तो भाई इस हाई टाइम की बिजनेस को आगे बढ़ा लो, भाई है बहुत मस्ती वाला तो, और भाई बारियों के अपने कुछ रूल्स रखो कि कोई भी कभी भी पुलिस वाले ठुल्ले आके अपने बारियों में आ जाते हैं हंसी मजाक करने, जो भी है थोड़ा ये रूल बात रखो, मैं एग्री करता हूं, ठीक है, बारियों के अपने कुछ रूल होने चाहिए कि साला कोई आए तो गोली ही मार दो,
पूछो मत और ये सोचो मत, ठीक है? उतरना क्योंकि बात ये है ना कि अगर तुम किसी, तुम्हारा कोई बंदा आया है पूल के और पास चले जाओ, तुम्हारा अपना कोई बंदा है आया है अरे और पूल के पास। ओके ओके तुम नहीं हो, ठीक है, और कोई बंदा है बारियों में, तो सीधा बोलो कि भाई वो बंदा अभी नहीं है इधर, अभी आई एम तो नहीं गुड जाता, मार दो तेजस्वी, यार आप सीधी कैसे सी हो? बात है, मार इन लोगों दो की आवाज ठीक से आ रही है ना? भाई। प्लीज कंफर्म वो करना। नारुतो से, मतलब रॉकी से मिलने आया है या निक से मिलने आया है, वो मेड से मिलने नहीं आया, मैं हूँ उस वक्त मेरे घर पे, ठीक है ना, समझ रहे हो भाई? अब लग रेडियो छोड़ के बात कर। वापस से फिर से बोलना वो पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि बारियों का एक अपना सर वो होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, कि लाइक कोई आरजे सर से मिलने आया है बारियों में तो हमें, और आरजे सर इज नॉट अवेलेबल एट दी बारियो, ठीक है ना, आप नहीं हो अगर बारियों में और रॉकी भाई हैं या मैं हूँ, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि भाई अभी निकलो और आरजे सर जब आएंगे तब मिल लेना, वो तब भी थोड़ा जबरदस्ती करता है तो मार दो यार, सीधी सी बात है, हमारा घर है वो, हम नहीं चाहते, मेंशन नहीं है हमारा, वो घर है वो, हमारा हुड है जहाँ पे यार आई गेस 10 इलीगल काम कर रहे हैं हम, तो एक ये रूल बनाओ कि भाई किसी को भी आलू पाड़ू को नहीं बुलाना है बारियों में, किसी को भी नहीं बुलाना है बारियों में, जो अपने खास बंदे हैं वो ही आएंगे और कोई भी ऐसा बंदा आलतू फालतू का बंदा नहीं आएगा। और बात रही इसकी एक बार ग्राइंडिंग की, जो निक बोल रहा था भाई, अपना एक बार सजेशन दे दे तुझे क्या बोलना है ग्राइंडिंग में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अर्जे सर देखो कि 1 लाख रुपीज एक बंदा एक हफ्ते में देगा, एक ठीक है, बंदा एक हफ्ते अब में, सुनो सिर्फ एक बंदा, बाकी के सब 20,000 देंगे डेली के, वो एक बंदा हाँ कौन है जिसके ऊपर ये इतना बड़ा प्रसाद जा रहा है? सब और आएंगे आरजे सबकी सर सबकी, उसे, अरे सुनो तो अच्छा मैं यार, समझ गया समझ गया। मतलब जैसे सर आप रॉकी भाई आए, रॉकी भाई को हमने कहा एक हफ्ते, इस हफ्ते आपको एक हफ्ते 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक जी है, बाकी के सब 20,000 ही देंगे उस हफ्ते के लिए, रॉकी भाई 1 लाख देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक मैं आया यस वी हेलो मैं 1 लाख दूंगा, थैंक यू बाकी आर्य, के सब परफेक्ट 20,000 परफेक्ट। ही देंगे, जी समझ जी रहे हो? जी एक जी मिनट एक मिनट, हाँ आप बोलो जो भी बोलना है, मैं कह रहा हूँ पर डे का 1 लाख देना पड़ेगा सबको, नहीं सिर्फ एक बंदे को जिसका पर टर्न डे है, का बहुत पर ज्यादा हो डे जाएगा, नहीं, वे पर डे पर नहीं डे बोला नहीं भाई भैया, उसने, वीक में, अच्छा मतलब ये पंद्रह हफ्ता बोल रहा है, 20,000, 20,000 पर डे, लाइक और यू विल फिर हैव उसके टू ग्राइंड 1 लाख फॉर अलग लाइक से, समझ गया सर, सो 20,000 आपको ग्राइंड करना पड़ेगा दिन का और हफ्ते ओके बाद 1 लाख रुपए देना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा में, सो मैं ऐसे ऐसे बोलता हूँ, राइट? तो आपको एक हफ्ते के अंदर 1 लाख रुपए फंड के अंदर जमा करना है, राइट? प्लस यही है ना? जी उस हफ्ते में 20,000 डेली भी देना है। हाँ जी 20,000 टू हर 15,000 दिन कैसे 20,000 का ग्राइंडिंग होगा? सर 5 दिन आप 20,000 की ग्राइंड मारते हो, समझ रहे हो, 5 दिन आप 20,000 की ग्राइंड मारते हो, तो कितने हो लाख गए, रुपए हो गया। 1 लाख रुपया हो गया, और बाकी के बचे कितने, 2 दिन, और बाकी के बचे 5 दिन, ठीक है 7 दिन और बचे, मतलब जो भी है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा 30,000 की ग्राइंड मार सकते हैं, आप लगा के देख लो हो जाएगा, लगा के देख लो, कैलकुलेट करके देखो दिमाग से, भाई कोई हम लोग कॉस्ट कभी ना होगी, कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसका क्या करेंगे बताओ पहले? वो डिफरेंट सिनेरियो है ना सर, ग्राइंडर कोई इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है उस हफ्ते के ग्राइंडर को, अगर मैं इस उस हफ्ते का ग्राइंडर तब तो हूँ, ये स्केड्यूल बेस्ड होना चाहिए। जी हाँ तो सर वो सबके ऊपर जाएगा कि एक हफ्ते रॉकी भाई ने करा, दूसरे हफ्ते आपने, तीसरे हफ्ते ये बाबू भैया, चौथे हफ्ते ल्यूकस, पांचवे हफ्ते अपना ये क्या बोलते हैं निक भाई, छठे हफ्ते स्पूकी, सातवें हफ्ते अपने पास बहुत बंदे हैं सर, 14-15 बंदे हैं अपने पास, छह ओके सात ओके बंदे को ही हम हाँ, तो उसमें रिवॉल्व होता रहेगा और किसी रिवॉल्व होता को रहेगा, और टक भी किसी नहीं के ना लगेगा। दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा राइट हूँ और सामने वाला कुछ मेहनत जी नहीं जी कर रहा, जी अब जैसे बाबू भैया की प्रॉब्लम है कि उन्हें सिर्फ 15,000 दे सकते हैं वो दिन के, पता नहीं क्यों दे 15,000 ही दे सकते हैं, बट उनकी वो प्रॉब्लम है, तो हमने अरे समझा नहीं अब आज से उनका ये 15,000 है, निक भाई का 15,000 दे सकते हैं, उनका कुछ अपना प्रॉब्लम होगा, ठीक है वो पीडीएम भी है, उन्हें वहां भी देना होता है, उनका समझ आता है, तो ठीक है वो 15,000 देंगे, बाकी के जितने भी है वो 20,000 देंगे सर डेली, एंड बेड्स को मतलब सेटल करना जो भी करना है कि बेड्स खरीदने हैं वो आपकी हेडेक है ना, वो सामने वाले की हेडेक है, जो भी होगा जितने बेड्स वो करेंगे हम करवा दिया करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो इधर उधर से ट्विटर वीटर से हो सकता है, भाई कोई देखो, बहुत बड़ा इशू नहीं है वो, अब एक बात बोलता हूँ मैं, ठीक है? ध्यान हाँ बात बोलिए, से सुनना है इस बारे में। अगर समझ लो कि हम लोग फिशिंग कर रहे हैं, राइट? एक बार एक कंपटीशन होता है तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 के आसपास मिलता है, राइट? हाँ जी 7,000 के आसपास मुझे मिल चुका है, आई एम जस्ट सेइंग। बट अच्छा ऑब्वियसली फिर आई एम तो रेडी टू, हाँ आई एम रेडी टू एक्चुअली डू द फिशिंग ग्राइंडिंग, मैं कर लूंगा, दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। आई एम सेइंग दैट भाई साहब, जब बेट अवेलेबल नहीं है मैं करूँ क्या?
तो सर वेट सम अवेलेबल करवाएंगे ना ट्विटर पे, वेट्स अवेलेबल ही अवेलेबल है। हां बोलो खाली बोलो सुनो सारे शान सारे शान। उसका एक इलाज निकाल लिया है आज ही वो चालू करा हमने। जैसे वेट्स तुम्हारे को नहीं दिख रहे ना, एक बार वहीं से सिटी लीव करो, वापस आओ, तुम्हारे को वेट्स फुल दिखाएगा वहां, ठीक है? तो तुम मतलब भर सकते हो वापस, ठीक है? आज हमारे कितने बंदों ने ऐसे ही खरीदे, मैंने भी किया है। And sir, we can't do anything, ना, अगर बेड्स अवेलेबल नहीं है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर, फ्लाइट करके दूसरे शहर जाना पड़ेगा और दूसरे शहर से बेड्स लाने पड़ेंगे। समझ गया मैं। हाँ जी हाँ जी, तो कुछ नहीं कर सकते हम उस बारे में। ओके सर, देखो सर मेरे हिसाब से ग्राइंडिंग सबसे इनकी बात ही नहीं समझ आ रही है ही जॉइन टेकिंग अ 5 मंथ ब्रेक फ्रॉम PDRP एंड BRP। ओह माय गॉड, व्हाई इज दैट सो सरुश बताओ, हम पे पैसा ही नहीं है इस वक्त, रॉकी भाई पे 25 लाख रुपए है बस होने वाला है ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या? अगर गैंग सिस्टम चेंज हुआ तो कुछ ना कुछ तो ये लोग अड़ंगा डालेंगे, तो पैसे तैयार कर डालेंगे, कुछ माफियाज लाएंगे। माफियाज है बाहर में, अगर इन लोग बोल रहे हैं ना कि बिजनेस खरीदने पड़ेंगे, फिर मैं फिर तुम्हारे को पैसे लगाने पड़ेंगे आगे जाके। मेन बात समझ रहे हो आप क्या बात बोलने जा रहे हैं हम? और ये हुआ था ग्रीन वाले सबसे आगे हैं, और मेन चीज ये है कि ग्राइंडिंग पे थोड़ा तो फोकस करना ही पड़ेगा सर। बहुत मस्ती मजाक गाने और नाच गाना कर लिया हमने, पार्टीज वगैरह बहुत कर ली सर हमने, अब थोड़ा सा काम भी करते हैं सर, थोड़ा आगे लेकर आते हैं, आगे आते हैं, सामने रह के काम करते हैं। भाई ये बात मैं कितने दिन पहले ताऊ से डायरेक्टली कर चुका था, एंड थैंक यू फॉर हाइलाइटिंग इट। बट हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बट एक टाइम होता है, मतलब लाइक मैंने एक चीज देखी, नोटिस करा उस दिन जिस दिन फाइट थी, वी गाइज वर लाइक स्पैमिंग रेडियो कुछ मतलब बेमतलब में, लाइक मेरे पास से बंदा गया, अरे मेरे, अरे जाने दो ना यार। जब जो अब रोल्स बांटे हैं सर, आप आई डोंट नो आप थे उस टाइम पे या नहीं, कि 6 बंदे फाइट में हैं जो इन्वॉल्व हैं, 6 ही जा सकते हैं, बाकी के जैसे 2 बंदे हैं, वो 2 बंदों का सिर्फ एक ही काम है सर कि 2 बंदे बैकअप पे हैं, ठीक है? वो बैकअप है हमारा, लाइक इधर उधर बंदे ठेले दिखे उठाओ और अपने बंदे को बचाओ, बैकअप है वो, ठीक है? 2 बंदे स्काउटिंग के लिए हैं जो नॉर्मल सी एक लोकल गाड़ी लेके घूम रहे हैं सिर्फ जस्ट स्काउट करने के लिए। एक मिनट सर, नंबर गए, एक मिनट बस। अबे यार भाई इतने बोल लो कुछ यार, नंबर गए शायद। मैं एक चीज बोलता हूँ कि लाइक देखो तुम्हारे साम अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ आपके सामने 4 जो हैं ऑफिशियल मेंबर, ठीक है? वागोस के 4 ऑफिशियल मेंबर खड़े हैं, कोई सजेशन कोई दिक्कत आप चाहते हो कि हटनी चाहिए कुछ चीज जो आनी चाहिए, लाइक एक एक करके बोलो, लाइक ऑफिशियल भी बोल सकते हैं, देखो अगर तुम डीलर होते तो हम तुमसे खरीदते, तुम अगर मेंबर हो तो खरीदेंगे थोड़ी ना। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ही अगर तुम्हारा ही घर है, ठीक है, और तुम्हें क्या बोलते हैं लाइक दाल चावल वगैरह ये सब बनाना है तो तुम ऑब्वियस ही बात है बनाओगे ना, किसी से घर में ये तो बोलोगे तू भाई 1 किलो लेके आया था, तब वो तो काम करना फिर बेफिजूल ही है ना। व्हाई वुड ही स्पेंड हिज टाइम, बेफिजूल वाली बात नहीं सर, लाइक अगर नहीं 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 हमारे काम की है और वो भी हमारी गैंग का ही है, नहीं सर उनके ऊपर प्रेशर नहीं, दैट इज डिफरेंट। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बात करनी चाहिए, मैं आपकी बात ही सुन रहा हूँ सर, आपकी पॉइंट की बात मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जब ये बात बोल रहे हैं राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक ये बेट अगर कीज इन्हें मिलती है राइट, तो अब ये ग्राइंडिंग कर रहे हैं, अब उनका ठीक है फैमिली में वो चीज़ लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको उस वीक में वो पैसे चाहिए तो सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा ना। हाँ जी हाँ जी, तो उस बारे में मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, बिकॉज इनका पॉइंट बहुत सही है, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि हाँ मैं भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जिसमें मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो। मैं बोल सकता हूँ कुछ? जी जी, यहाँ पे सीन ये है कि आप कह रहे हैं कि मतलब अगर बंदा चीज ला रहा है तो उसके उसे पैसे मिलने चाहिए, है ना? नहीं तो? गलत समझा आपने, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो उस वीक में इनसे 20,000 रुपए चाहिए तो पहले 20,000 वाला काम कंप्लीट कर ले तब जाकर ये कीज वाला काम करे ना, वो बोल रहा हूँ। वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ, बंदे की मर्जी पे है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, डन डन, ठीक है, प्रेशर नहीं कि उसे लाने जाना है।
सर आप बोलो अपना, आपको जो बात था बोलिए, मैं आपकी बात नहीं काट रहा था, बोलिए। हाँ जी पॉइंट दे दो अगर किसी को पॉइंट देना हो तो। बाबू बाबू बोल रहा था ना, बाबू ये बोलो। बस बस मेरे एक पॉइंट था, क्लियर हो गया। ये कौन है? ये कौन है? क्या की है? वाह भाई शैगी है, शैगी है, शैगी है। हाँ तो इसे मैं आज अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। शैगी को अच्छे से समझा दूंगा। शैगी को रेडियो बताओ पहले एक बार। मेरे रेडियो पे मिनट बाबू भैया अपनी बात पूरी। माफ फॉर गिविंग बाबू, स्वागत, कैसे हो? मेरी बात बस इतनी थी कि वेरी वेलकम टू स्ट्रीम। एक्स्ट्रा अकाउंट होएगा ना, पहले हम 20,000 15,000 करेंगे, फिर उसके बाद अगर हमने कीज देनी है तो वहां पे। मैं एक चीज बताता हूं, मैं चीज बताता। देखो लाइक तुमने अपनी गलत कर रहे हैं, जितना तुम्हारा फंड है मतलब 15k तुमने सेट करा ना अपना। हाँ हाँ तुम कहते हो कि तुम उतना करोगे, अब ये हमें नहीं पता कि तुम वीट से करोगे, आप बोल रहे हो कि अगर मैं कीज लेके भी आता हूँ साथ, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आप कीज तो दोगे ही, है ना? वो तो है ही। तो हाँ, तो उस उसके लिए आप कोई और पॉइंट तो नहीं है ना? नहीं 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 वो ठीक हो। ठीक है ठीक है। विल्सन कुछ पॉइंट है, वो एक्स्ट्रा का कम में काउंट होगा क्या? क्या? अरे भाई वो ला रहा है ना, वो एक्स्ट्रा में काउंट होगा उसके थोड़े पैसे। अरे कैन आई गेट योर अटेंशन प्लीज? बोलिए सर। ये जो आप कीज के बोल रहे, देख बाकी हम लेते हैं जो नॉर्मल प्राइस होता है सिटी से, अपने बंदों से 300-300 रुपए देके की का ले लेंगे, उनका फायदा हमारा भी फायदा है ना। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमारी कंट्री उसमें भी आ जाएगी ना, हमारी कंट्री उसमें आ जाएगी, हमसे पैसा भी मिल जाएगा। अरे बंदा नॉर्मल ये बोलना चाहता है कि मैं गार्बेज से समझ लिए दिन का 20,000 कमा रहा है, इसको कीज भी मिल रही है वो भी हमें दे रहा है, 15,000 मिल रहा है वो भी हमें दे रहा है, इसका प्रॉफिट बच रहा है 5,000 दिन के 2 घंटे मेहनत करने के बाद। तो अगर इसको हम थोड़ा सा कीज का दे भी देंगे तो हमारा भी क्या ही जाता है? तो बस वही बात है, इसकी और बात खत्म। कितना कीज बेच रहे हो अबे? तो गार्बेज करना ही क्यों, जब फिशिंग से तुम उससे भी ज्यादा निकाल रहे हो। अभी तो काली बात सुन चल रहा है, अगर वो ना चले। शांत भाई, सारे शांत यार, बोल दिया तो शांत। एनएक्स एक सेकंड, कालीन सीधी सी बात है, बाकी से हम 700-800 में खरीदेंगे, इससे 200-300 में खरीदेंगे, इसका फायदा हमारा भी फायदा। हां हां सॉर्टेड सॉर्टेड। फिर से लाइक नेक्स्ट तुम बताओ पॉइंट अप भाई। वही निक को कुछ बोलना था ना, निक वहां जाके खड़ा, निक भाई बोलो। एक मिनट, अरे विल्सन को बोलने से पहले, अरे एक दो बंदे हैं जो मेरे को पूछ रहे हैं कि ग्लास वो स्क्रैप मटेरियल वगैरह जो भी होता है उसको कौन खरीदता है? देखो पहली बात तो स्क्रैप मेटल और प्लास्टिक वागो इसमें खरीदा नहीं जाता। अरे मतलब जो भी रिसाइकल खरीदा, हाँ मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जिस तुम्हें पता चलता है कि अगर बागोस ने बागोस में कोई भी बंदा खरीदता है मुझे बता। कोई नहीं क्योंकि भाई ये फिर ये मैं एक चीज बोलूंगा, लेकिन तुम वहाँ जाके 5 मिनट में काम कर सकते हो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग बैक। खरीदने का कोई भी मतलब नहीं होता है। और बोलो, और थैंक्स ओमकार। एक पॉइंट इसमें बोलना चाहूंगा, लाइक हमारे पे अगर 10 बंदे हैं और 10 बंदे जाके 100-100 भी निकालते हैं तो 1,000 इकट्ठा होता है, सिंपल सी बात है खरीदने की। और कोई बंदा, और कोई पॉइंट है विल्सन? मैं बोलूं? ना 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 भाई, क्योंकि मेरे को दो तीन बंदों ने बोला था ना कि खरीदता है क्या कोई। ठीक है, ने किधर आ जल्दी से, क्योंकि भाई जरा गुस्सा मार के लाना। आगे चलो। हाँ निक बोल अपने पॉइंट, बोल कितने पॉइंट है? मेरा तो वही पॉइंट था, जबरदस्ती वो मत करो, ठीक है? क्या जबरदस्ती? तुम मेरे को टारगेट कर रहे हो। अरे यार वो लड़ाई छोड़ो यार, शांत रहना। बोलने को बोला है कुछ? जबरदस्ती टारगेट मत करो, जो लड़की की वजह से मैं सारा काम खत्म करके जाता था बिल्कुल 4-4.5 के अराउंड। तो बात ही नहीं हो रही भाई। हेलो, अरे निक निक शांत, कुछ नहीं हुआ, चिल कर। एक मिनट, कोई बात ही नहीं है, एक मिनट रुको यार, कोई बात नहीं, कहां से किया गया है ना। अरे शांत हो गए, एक सुनो यार, तेरे को ऐसा लगा होगा तो कोई बात नहीं, छोड़, ये बात नहीं है, शांत हो जाओ भाई, सुनो, शांत हो जाओ और एक जगह खड़े होके बात करो भाई। अगर चल चल के बात नहीं होती भाई, गिड़गिड़ नहीं हो, यहाँ से आपको तेजस्वी धुआं में, धुआं में काउंट होता है। छोड़ दे अब क्या फायदा। नाम बोलना पराग तलरेजा, बहुत स्वागत, कैसे हो?
क्या बोला था? जिन जिन ने बोला था क्या बोला था? बता चांद पहले मेरे को मैटर करने दो। किसने बोला क्या क्या बोला सब बोल यहीं पे। किस मैंने नाम बोल बंदों के तो बोला भाई बंदों के नाम बोल तो बोला। लुकास ने अभी तो बोला कि लड़की घुमाना ये सब। कब बोला मैंने? अभी बोला मैंने मीटिंग में भाई ये लड़की घुमाना कब बोला? सारे तो थे भाई अभी दो मिनट पहले। अरे यार अरे एक सेकंड ऐसे नहीं मानते भाई। लुकास तूने बोला क्या बोल रहा है? जैसे यू वांट टू प्ले GTA 5 पराग आप भी खेलोगे? बोलो ओमकार कुछ दिन में चालू कर देंगे साथ में। आज की बात कर रहा है वो। स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ऐसे लड़कियों के पीछे नहीं जाना काम करना। वो बंदा काम करके अरे बस तो बस ना गलती से हो गया ना मिसअंडरस्टैंडिंग। और कोई है नहीं जिसने बोला? नहीं नहीं और कोई और सजेशन गए तेरे पे? नहीं कुछ तेरे को कुछ आता है ये हटे ये नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ? नहीं मेरे पास दो सजेशन है बोल सकता हूँ। अभी रुक जा भाई पहले नॉर्मल बंदों से खेलना होगा तो ये सब लेना पड़ेगा तेजस्वी। लाइक आपके मन में जितने भी पॉइंट है। मेरे मन में कोई पॉइंट नहीं है अभी फिलहाल। नहीं है ठीक है शायद की तुम्हें ना ना कोई इशू नहीं मेरे को। चलो ठीक है कालिन बोल। मेरा पहला पॉइंट तो ये है बंदों के ना ग्रुप बनवा दो ग्राइंडिंग में। परफेक्ट जैसे क्योंकि ना देखो एक बंदा अकेला करेगा ना उसे कंफर्म बोरियत होनी होनी है। अभी जैसे आज हम बात सुन 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 ये ग्राइंडिंग के टाइम पे मैं बोल दूंगा ये पॉइंट हटा दूसरा बोल मैं ग्राइंडिंग का सिस्टम समझाऊंगा अभी इसके बाद। अरे वाह एक मिनट यार सॉरी लेकिन मैं भूल गया। कोई नहीं बहुत बड़ा i9 वाला तेजस्वी i9 वाला गिफ्ट करना होगा। मेरे को पता है कुछ तो आप लेके आ कुछ नया और ताजा कुछ अलग सा आने वाला है। कुछ नहीं है भाई कुछ नहीं है छोड़ो छोड़ो भाई। रॉकी बोल भाई कुछ। रॉकी भाई बोलो कुछ। रॉकी रॉकी भाई ठीक है भाई कोई पॉइंट नहीं उसके भी। ठीक है तो भाई सिंपल और सॉर्टेड है। वही जो अपनी बात हुई है फाइट वाली जो नॉर्मल थी रेडियो कोई भी स्पैम नहीं पूरा दिन साथ में खेल लूंगी। अच्छा अच्छा पॉइंट याद आ गया को। हां बोल बोल ठीक है बोल। मैं कह रहा था देखो अभी जो हो गया सो हो गया। देखो कुछ गलतियां बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये तेजस्वी मतलब सभी ने करी कहीं ना कहीं। ठीक है मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा लेकिन हम लोगों को डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। चैनल चल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। सब मेरे भाई परफेक्ट है जैसे तू पहले था पिछले शहर में। मेरे को पता नहीं तू इस वक्त क्यों नहीं है लेकिन भाई अब तेरे को बाइक भी दिला दी है। मैं हो बाइक का भी तेरा हो गया सॉर्टेड। ये लिख तो इन्हें रुको रुको कौन रहा है? अच्छा वाह अभी लिखा किसने था? क्या लिखा था इसे गन लो पहले किसने लिखा था पता नहीं। छोड़ो छोड़ो कोई नहीं क्या लिखा भाई मैंने क्या नाम बोलो ना कौन है या लुकास ने लुकास ने किसने क्या लिखा बिना फालतू का गन निकालने के। अच्छा ओके वाह वाह पराग वेरी नाइस वाह। एक ही मौके पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चौका। एक ही घरों में रह रहे हैं लड़ाई करके कोई मतलब नहीं है। स्ट्रीम ऑन माय लैपटॉप दोनों की दोस्ती करो वाई का थोड़ा सीन वन दैट इज फिक्स्ड विल बी। अरे वाह क्या बात है। लेकिन कालीन दिल में रखने वाले बंदों में से नहीं है। मेरी कालीन से बार होती है लेकिन कालीन सब भूल जाता है। लड़ाई नहीं कर रहे भाई बात कर रहे हैं। एक बात क्लियर होना जरूरी है। देख कालीन से मैं 10 बार बोल जाता हूँ लेकिन कालीन 2 मिनट में भूल जाता है। लेकिन तुझे मैं जानता हूँ अच्छे से तू बात रखने वालों में से दिल में। तो सीधी सी बात है यहाँ पे सब खड़े हैं आरजे सर भी खड़े हैं हमारे बाकी सब खड़े हैं रॉकी भाई भी खड़े हैं। बात खत्म करो गले मिलो छुट्टी आज के बाद कुछ नहीं होगा। हंसी मजाक भाई कालीन देख वही जो हैरी के साथ करा है ना हंसी मजाक बंद कर दे इसके साथ ठीक है ना। शैगी भाई हंसी मजाक बंद कर दो दोस्ती करो खत्म करो कहानी
गले मिल लो भाई। इसे ना बस एक चीज समझा दो कि वो जो नकल पहन के इसके मसल फ्लेक्स नहीं हो नहीं रहे हैं ना छोड़ो कोई वो बंद नहीं हो जाए नकल इसका। नकल भाई देख सीधी सी बात है, मसल फ्लेक्स करना बंद करो, बच्चे नहीं है सब बड़े हैं, 15-16 साल का कोई बच्चा नहीं बैठा है यहाँ पे, सब चाहिए। मसल फ्लेक्स कर रहे हो और ये सब कर रहे हो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार। एक पॉइंट मैं बोलूं, ये बोलो बोलो गन्स वाला पॉइंट आ गया, लुकस जब स्टैश में मेरे से बिना पूछे तो कोई गन्स निकालेगा नहीं ना लेगा। हाँ, ठीक है, तो मैंने बोला था एसएमसी के लिए मैंने रख दी थी ना, नहीं निकाला। और जिसको जिसको सुनो अब काली वाईफाई फिक्स कर लो फिर माइक्रो एसएमसी दे दस भी, अगर तेरे को बड़े गंदे भी 5 बंदे और है वो भी बोलेंगे सुनो 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 मैं अभी ऐसी लेके घूमने की बात नहीं कर रहा, मैं वो कह रहा हूँ जब फाइट्स होंगी जब निकालूंगा मैं माइक्रो एसएमजी भी ऐसी लेके। इन लोगों को बोलने दो जितना बोलना है बोले। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा रॉकी भाई, आपको मैं घूमूंगा लेके, हम पे प्लेंटी ऑफ गन्स है भाई। अगर अगर मेरे को लगेगा कि फाइट टाइम ज्यादा नहीं बस काम नहीं चलेगा, अरे वाह, उसके हिसाब से दूंगा बालास के साथ। और बोल दो लिक्विड कूलिंग और बोल दो फिर उसके बाद 3200 क्या 3200 गीगाहर्ट्ज M.2 SSD भली छोटी हो चलेगा लेकिन ऐसी दो जो स्टेबल क्या दे जैसे लेट्स डू दिस। तुम्हें फाइट देख के गन दूंगा मैं, चिल करो। पहली बात मैं एक चीज बोल देता हूं, पराग आप भी अगर खेलना चाहो तो ऐसे नहीं होते कि बस तू मिला मैंने तेरे को मार, ठीक है, उसका अलग एक सिनेरियो होता है, तो उस समय वो गन तुम्हें प्रोवाइड कर दी जाएगी जब तक के लिए जो मिल रहा है उसके। रियली नाइस। ओके ओके। चांदी की थाली को डायमंड की थाली बनाने के सपने मत देखो बेबू। अरे नहीं यार मेरे को बस ये बोला गया था कि अगर पसंद नहीं आई तो बता देना, मैंने बस वही बोला। और रही बात में ग्राइंडिंग का एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, ठीक है, हां बोलो बोलो। अपने अपने में तुम बात कर लो, ठीक है, एक दो बंदे उस समय होल्ड पे रुक जाओ, ठीक है, बाकी जो बंदे हैं वो फिशिंग पे जाओ, साथ में जाओगे करोगे टाइम बीत जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात पूछना है, एक क्वेश्चन है, फिशिंग ज्यादा बेटर है कि माइनिंग? फिशिंग देखो भाई, अगर तुम्हें चलते मगर तुम्हारी वाला काम करना है जाओ माइन, अगर तुम्हें सिंपल इजी काम करना है तो जाओ वहां पे फिशिंग पे जाओ, ठीक है, लाइक अपने 3-4 लोग लेके जाओ, कोई नहीं मजाक करो, 200 खरीद लो और लाइक करो आराम से, फिर लाइक तुमको फैमिली फंड देने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब तुम्हारा हो जाए तो बाकी जो बंदे रह गए जैसे 3-4 बंदे जो हुड पे तुमने एक दीएम को पटाक्स उनसे पूछ लो, वो आ जाएंगे तुम्हारी जगह, फिर तुम चले जाओ उनकी जगह। मैं कुछ उसके रिगार्डिंग बात करनी है। हां इस पर मैं कह रहा हूं जैसे जो जो शहर में नए हैं जैसे मैं हो गया, आरजे सर हो गए, हम लोग को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे तुम लोग बहुत पहले से हो फिर भी समझ रहे हो हमसे काफी पहले से, तो अभी जो डोनेशन वाला वो ठीक है पर अभी जैसे थोड़ा कम कर दो जो नए बंदे उनके लिए, कार होना बाइक होना मतलब स्टेबिलिटी हो जाती है बंदे की, स्टेबिलिटी एज इन सेटल्ड हो जाता है थोड़ा थोड़ा माइंड, तुम्हारे 100% अपना दे सकता हूँ उसमें थोड़ा ऐसा हो जाता है। अच्छा ये मेरे बगल सुनो 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 मैं चीज बोलता हूँ, मेरे बगल में जो लड़का खड़ा है ना लेफ्ट साइड में, ठीक है, इसने परसों कमाचो निकाली है, उससे पहले ऐसे घूमता था, आप बोलो 1 महीने से। तो वही बोला थोड़ा हम लोग के लिए मतलब समझो जो नए आए उनको थोड़ा स्टेबल होने का मतलब लो उनसे भी हम नहीं कह रहे लाइक तुम आओ तुम आओ 1-2 घंटे रहो, रेडियो स्पैम करो, चले जाओ मतलब करो यहाँ पे बक करो चले जाओ, और उसके बाद हम तुम्हें गाड़ी भी दे दे, हम तुम्हें बाइक भी दे दे, हम तुम्हें गन भी दे दे, आर्मर भी दे दे। वाह भाई क्या बात कर रहा है, तू वही तो बोल रहा हूँ कि खुद लेना पड़ेगा ना, तो वही मतलब हमारे लिए थोड़ा कम रखो पहले चाहिए, अगर वो हमने कर दिया ना तुम कभी ले ही नहीं पाओगे सच्ची हो तो, क्या क्योंकि तुम आते ही नहीं हो। ये लाइक एक एक्सक्यूज है कि मेरे भाई तू तो आता ही नहीं है यार। रही बात मैं एक चीज बोल देता हूँ, जैसे तुम कह रहे हो स्टेबिलिटी, मैंने क्या बोला लाइक जैसे मतलब आर जे सर हो गए, कालीन हो गए, तुम हो गए या लुकस हो गए, जाओ चारों साथ में फिशिंग करो, साथ 7-8 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार वहाँ से निकालो भाई, सच्ची बोलता हूँ, परसों सर यहाँ सुबह की बात ले लो, $6,000 थे बस, अभी 60,000 पड़े हैं। मेरे पास कल $15,000 जिसे दिए थे शैकी, मेरे पास मेरा एग्जांपल ले लो, मैं शहर में तुम्हें देखता हूँ कभी काम करता है, तब भी मेरी जेब में भी 25 लाख रुपए है, उसमें से 7-8 लाख फंड के होंगे, बाकी मेरे अपने हैं। वही बात होती है भाई, चलो तो लेट ना करो काम पे लगता है।
हाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप सुनो, आप जो कर रहे हो, मैंने कभी आपको ऐसे ये सब बक करते नहीं देखा, तो ये सब बंद करो शैगी। मैं आपसे इसलिए पर्सनल बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे नहीं करेंगे, मैं कर सकता हूँ आपसे बात ये सारी, ठीक है ना? तो जैसा पहले थे वैसे हो जाओ पिछले शहरों में, और ये सब एक छोड़ो। चीज़ और बोल सकता मैं, ये किसी के बारे में नहीं है, ठीक है, पहले बता दूँ। ये बस एक मतलब मर्जी है, करना है नहीं करना बोलो बोलो तुम्हारे बोलो ऊपर बोलो है। जब भी बोलो मीटिंग होती है ना, तो पहली बात तो सारे गैंग के कपड़ों में आएंगे, और दूसरी बात एक एक अच्छी बंदूक लेके दिखाना पड़ेगा भाई। वागोज हैं, तुम गन्स ही लेके नहीं दिखा रहे तो क्या फायदा? पिछली बार ग्रीन वालों से मीटिंग विदाउट गन्स गए थे हम, आधे बंदे तो कपड़े में ही नहीं आए। हाँ, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, छोड़ो, वो कर लेंगे अब जो नेक्स्ट टाइम, या ध्यान रखना भाई सब। गैंग मीटिंग अपनी सुधारो, मैं ये बोलूंगा लाइक स्पॉट लो, गाड़ियां निकालो, जाओ वहां पे कपड़ों में रहो, पूरी प्रॉपर बात करो। ये क्या होता है कि बस ऊपर ऊपर से डायरेक्ट में बात हो गई, यहाँ डन हो गया, चलो काम कर, फिर और वही उसके बात बाद अगर हम है। कुछ बोलते हैं तो कहोगे आरपी ये आरपी वो आरपी फाड़ मिल जाए। कोई नहीं कोई नहीं, 20,000 रुपीज सबको देने हैं डेली के, दो बंदे हैं ना, मजाक की बता दूंगा तस्सली, चिल या मैं करो। बता दूंगा। देखो भाई मैं साहब, एक चीज बोल देता हूँ, वाह कोई नहीं सुनता रहेगा, वो सुन लेगा, कोई नहीं, मरा नहीं अभी वो, हल्का तो वही पड़ा बस। मेरी मेरी बात सुन लो, एक चीज बस, कि लाइक अगर सबको वो 1 लाख वाला जो है अगर पॉइंट समझ में आता है और वो वोट कर रहे हैं तो कर लो, यस ठीक है? अगर बेस्ट है यार नहीं वो। समझ, अगर समझ में आता है उसके बाद नहीं चाहते कि ऐसा हो तो उसके लिए मना कर लो, अच्छा वोट इसके के लिए मैं एक हिसाब से चीज देखा बोलूँ, जाएगा। इसके लिए मैं एक चीज बोलूँ, बोल दो भाई। हफ्ते में, महीने में 4 हफ्ते होते हैं ना भाई, 4 हफ्ते में से एक हफ्ते सिर्फ बोलना जा रहा है एक बंदे को नहीं कि लाइक 1 लाख रुपए देने देखो, हैं, बाकी के तीन हफ्ते चिल करने के लिए मिल रहे हैं, समझ रहे हो? नहीं शैगी अभी आया ना। वो पॉइंट तुमने रख हाँ दिया, वो बात पे हाँ समझा देना तो चाहिए ये तो, चीज समझ के और सोच बाकी समझ के बोलना। बाकी लाइक अपने वोट रख लो, ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, होल्ड भी क्योंकि बहुत जरूरी है देखो। वागोस के मेंबर तुम लोग हो, ठीक है, तुम्हें काम करना है, मुझे कुछ नहीं करना। मैं बोल मैं बाहर ही बनता हूँ। ताऊ के और रॉकी भाई के बनाने से वागोज नहीं बनेगी, हमारे काम करने से वागोज बनेगी। वो लोग अपना जितना कर सकते थे वो लोग कर रहे हैं भाई, अगले बंदे के अकाउंट में 25 लाख है, वो जितना कर सकते थे वो कर रहे हैं भाई। अब बाकी वागोज का नाम होगा तो वो सिर्फ अपनी वजह से होगा, हम अपने मेंबर्स की वजह से होगा, वो बस चल ताऊ ही या रहा है, रॉकी भाई रुको। की वजह से नहीं होगा। वो अपने हिसाब से बहुत कर रहे हैं भाई, रेगुलर डील्स कर रहे हैं रॉकी, और क्या लोगे एक बंदे से? और भाई एक चीज मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे लाइक हमारे मंगू भाई, ठीक है, हमारे हमारे सामने मंगू हैं, बाकी लोगों के सामने डीजे टेबल, और लाइक ऐसा नहीं है कि वो हाँ जैसे अपने कपड़ों में ही घूमते रहते हैं। मैं एक चीज जान देखता हूँ कि सड़कों में भले ही हरी ना दिखे, पर्पल ना दिखे, ब्लू ना दिखे, पीली हर जगह दिखती रहती है ऐसी बेबुतुल में, ठीक है? तो अगर कुछ काम नहीं है तो सड़कों में लाइक ऐसे बेबुतुल में घूमो मत, किसी को मारो मत, और ये बेबुतुल की बातें करना छोड़ दो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पे आरजे हो, आरजे सर हो, या फिर ये शैकी हो, या कोई भी हो टीवी का जो भी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाइक तुम अपने एक्सपीरियंस सुधारो, थोड़ा ग्रो अप करो भाई, बड़े हो जाओ, और भी इन चीज़ों में एक्सपीरियंस करो, कल चालू हो जाओ यार अब। बाकी फंडिंग का क्योंकि सीन रहा, देखो फंडिंग फंडिंग बता का एक दो। बार एनएक्स सही बोली, बात में एनएक्स ने मैंने पिछली बार करके दिखाई थी फंडिंग, हमने गाड़ियां निकलवाई, फंडिंग वंडिंग करके दिखाई है, तो हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं भाई, तो क्यों नहीं कर रहे? ग्राइंड करो ना, जब हम लोग कर सकते हैं तो करते क्यों नहीं है भाई, तो आज जब से देखो ग्राइंड मैं करते हैं। एक एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक जब मैंने पहला 6 बंदों के सामने प्रपोजल रखा था कि लाइक एक हफ्ते के अंदर अंदर ही या फिर 2 दिन के अंदर ही संडे तक ही मैं 1 लाख रुपए जमा करवा दूंगा, मैंने 1 लाख रुपए बोला था नोटिस करना, ठीक है? जब इन लोगों से रगड़वाया, इनको काम करवाया, तो इनसे पूछ लो कि कितने थे, 8 लाख थे कि नहीं थे, 1 लाख की जगह वही बात है, 8 लाख सही बात थे है, कि नहीं, ये बताओ 8 लाख सारे। थे भाई। तो वही तो बात है यार, छोटी सी बात कभी यही कभी है, ये देखो सोच के मत चलो कि तुम कर ही नहीं सकते। वही देखो वही तुम बोल रहे हो कि मजे कब करेंगे, ग्राइंड ही करते रहेंगे, तो मैंने उसके लिए एक सुझाव रख दिया, अपने साथ 2-3 साथी ले जाओ यार, बट भाई उनके मेरे साथ हिसाब बातें से वाते आप, करो। अगर मैं क्या बोलता हूँ एनएक्स, अगर मजे ज्यादा ही करने हैं तो ये लोग मतलब नॉर्मल सिविलियन कर सकते हैं ना, क्या बोलते हो? अरे नहीं देख मैं क्या कह रहा हूँ, मजे मजे देखो मजे कहाँ आते हैं, अपने लोगों के साथ ही आते हैं ना। वही तो बात है अब ना। ये तो है नहीं कि किसी के ऊपर गाड़ी चला दो फिर बोलो हंसते हंसते कि हाँ क्या सही बोलते बात हैं है, दूसरा भी बेचारे शुरू हो हो गया। ये भी गया। फूक रहा है, सही बात कितने आदमी लोग फूकते हाँ हैं। अब मैं यहाँ पे मैं सर जो खड़े हैं उनको तो बताऊँ मैं किसको बोल रहा हूँ, ये मुझे खुद ऊपर से पता चल गया, ठीक है? तुम्हें को नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप किसने करा मुझे नहीं किसने नहीं पता करा, वैसे मेरे को बताओ नाम नहीं बताऊंगा ना मैं, जिसको जिसको बोल रहा हूँ पता चल चुका। और दूसरी बात ये कि लाइक यार दोस्त देखो, आज मैं बोल देता हूँ, कालीन थे, ईशान
ये अपना विल्सन था, ये अपना बाबू भैया, रॉकी भाई, मैं, निक थे वहाँ पे, क्या फिशिंग वाले में टाइम बीता नहीं बीता जल्दी, बहुत आराम से। ये बोलो कोई वहाँ पे उदास बैठा था, कोई रो रहा था, कोई शांत बैठा था, सिंक्रोनाइज्ड वही सही बोल रहे हो, सिंक्रोनाइज चल रहा है। अच्छा रेडियो पे बोले नेक्स्ट। अरे कोई वो वाली बात नहीं होती ना, होगी भाई की तो चिंता ही मत कर भाई, उनको तो ग्राइंडिंग करने को बोल दो। एक्चुअली जितने बंदे हैं छोड़ो, हां मैं हफ्ते कर लेगा, मतलब जैसे मैं आरजे सर को बोलूं कि सर आप जाओ पलीटो, अकेले जाते जाते या अकेले वहां पे रहते रहते बोर नहीं हो जाएंगे बस। तो वही है, तुम जा रहे हो, तुम्हें सोचो तुम्हें रिसाइकिल जाना है, पांच बंदे चले जाओ साथ में, बातें करते करते निकाल दो। देखो हां सही बात है, इन शॉर्ट ग्राइंड करने जा रहे हो, चार पांच बंदे साथ चले जाओ। लाइक देवर्मा वो स्वागत, कैसे हो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, वेरी वेलकम। 7-8-9-10 बंदे हैं ठीक है, पांच जने छह जने जाके ग्राइंड करो, चार जने जाके होल्ड पे खड़े हो, कितना सॉर्टेड है भाई, कितना सॉर्टेड है भाई। तुम पांच हो जैसे मतलब, तुम पांच हो दोस्त हो, जाओ साथ में मजे करो, बातें करते करते पैसे, पांच जने मजे करो, बातें करते करते पैसे कमा लो। मैं एक मिनट आज सर एक पॉइंट रखता हूं, जैसे समझ लीजिए लाइक आप 15 मिनट के लिए फिशिंग कर रहे हैं ठीक है, आपने लाइक 100 बेट इस्तेमाल कर दिए, उसके लाइक आपको 12-15 हज़ार मिले, और वो भी लाइक अपने दोस्तों के साथ मजे करते करते टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चलता। आप उन सब मजाक कर सकते, कोई भी हो, कोई भी जोक कर सकता है, कोई भी किसी टॉपिक पे बातें कर सकता है, टाइम इजीली बीत जाता है। मैं पता है वहाँ दूसरे लोगों के साथ खड़ा होकर टाइम बिता लेता हूँ, तो तुम तो ये अपने लोगों के बीच में खड़े हो। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी सर बोलिए बोलिए। तो इस मीटिंग से मुझे ये बात पता लगी कि मैं परमानेंट नहीं हूँ या मैं ऑफिशियल नहीं हूँ, मुझे ऑफिशियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मर्डर सर, सब ऑफिशियल है सर, कोई ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं है। मैं सीधा बात बोलता हूं टीम में, स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि सैटेलाइट पे जब ये सब हुई थी बातें, तो वहां पे ये जो फैमिली है इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा था नाम का। ओके ओके। उस वक्त मेरे से लुकास ने बात की थी रिगार्डिंग ज्वाइन करने के लिए। जी जी। उस वक्त मैं थोड़ा खाली, लुकास तुमने इतना पूछा था मेरे से, हाँ जो भी था, उस वक्त दो ही तीन बंदे थे, तो उन्होंने पूछा था, उस वक्त मैं थोड़ा खाली नहीं था, तो मैं बोला ठीक है आप अपने छह बंदे रख लो, तो देखो अगर मन होगा काम करने का ना, तो मेरे को कोई वेरीफाइड का टैग नहीं चाहिए, तो वही मैं बोला कि ठीक है छह बंदे। बस यही है कि वहाँ पे सैटेलाइट पे ऐसा लिख गया है कि वागोस मतलब ये छह बंदे, इस चीज के ऊपर मैं बोल देता हूँ। कि जब एक सोसाइटी बन रही थी लाइक वागोस एक फैमिली बन रही थी ठीक है, तो उसमें उसको चलाने के लिए छह बंदे उनको चाहिए जरूरी, 100% हाँ 100%। तो वो छह बंदे जो हैं लाइक हमारे एक रॉकी भाई, एक हमारा कालीन, हमारे मिस्टर स्पूकी, ताऊ, लुकस और एक है काकाशी, जो वो नहीं हमारे शुक्ला, हाँ मालूम है एक है, हाँ, ये छह लोग जो है ये मेन है। ओके। उसके बाद जब ये छह बंदे हो जाते तो उससे एक गैंग फॉर्म हो जाती है। समझ गया मैं, समझ गया। उसके बाद आप जितने बंदे फैमिली में लाओ आपके ऊपर, जैसे सातवें नंबर पे मैं आया था इसमें वागोस में, समझ गया। उसके बाद मेरे बाद और भी टैगी ने मुझे ले आया था वागोस में, फिर वही है कैसे करके सब आते हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें कुछ भी बात होते है, समझ लो आप तुम्हें लाइक सजेशन और कुछ भी हो, तो तुम तो ऑफिशियल के पास ही जाओगे ना सारे के सारे, लाइक ऑफिशियल को बोलोगे हर चीज के लिए। ताऊ को पकड़ना तो गलत है ना, गलत है ना सर, नहीं मैं ताऊ को पकड़ना, सर हमें बोल दीजिए और रॉकी भाई को बोल दीजिए, क्या चीज, अरे मतलब सबको बोल रहा हूँ लाइक कोई भी सजेशन हो या कुछ भी गलती हो या किसी भी चीज की बात हो, तो लाइक हर कोई ताऊ को पकड़ता है हमारे। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ, मैं एक बात बोलता हूँ ध्यान से सुनिएगा इस बात, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात बार बार रिपीट नहीं करता। ओके ओके। तो पहली बात यह है कि जब फैमिली का लीडर कौन है, फैमिली का लीडर हमारे गॉडफादर ताऊ, उनका काम क्या है, सबको मैनेज करना, सही है, I'm talking to him, no? One second. उन्हें लीड करना, very nice, very nice. अगर आपको कोई ग्रेवियंस है, आप किससे बता के बोलने जाओगे? सर लाइक उनके जो मैनेजर हैं पहले, मैं सर उनके जो मैनेजर हैं, One second. वो तब होता है जब वो आउटलाइंड हो, मुझे किसी ने आउटलाइन ही नहीं किया है। मैंने इस सिटी के अंदर में पुलिस की भी नौकरी की है और मजाल है जो एक चीज कभी मैंने मुझसे कोई गलतियां हुई हूँ, राइट। लेकिन मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ पर प्रोसेस और पॉलिसीज नहीं होती ना, वहाँ पे सारी चीजें होती है। देखो फैमिली होकर के भी आप इनडिसिप्लिन हो सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट, वो तो है। बट याद रखो कि अगर आप लोग मिल करके अगर रिसाइकलिंग में नहीं जाओ और सब एक साथ मिलकर काम ना करो ना, तो ना आर्मर बनेगा ना कोई गन, ना कुछ कुछ नहीं बनने वाला। बिल्कुल सर,
क्यों? क्योंकि आप एक प्रोसेस को ट्रस्ट करते हो, उसके अंदर जाते हो साथ में, तभी जाके होता है। तो सेम वे मैं आताऊ को इसलिए अप्रोच करता हूँ क्योंकि उन्होंने कभी प्रोटोकॉल मुझे असाइन नहीं किया कि हाँ भाई जाकर के आप मेरे मैनेजर रॉकी भाई से बात करो या कालिन से बात करो या लुकस से बात करो, नहीं बोला। अगर उन्होंने मुझे बोला होता, देखो सर बहुत प्यारा पॉइंट रखा सर आपने, द रीजन, थैंक यू, द रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ओवरराइड करके जाऊँ। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पूरे ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं नहीं चाहता मैं डायरेक्टली ताऊ के पास जाऊँ, बट ताऊ की ये ड्यूटी बनती है एज ए लीडर, ही हैज टू आउटलाइन कि हाँ देव भाई आप एक काम करना, आप रॉकी से जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी कंसर्न्स हो, आउटलाइन करना, उनको बताना, एंड ही विल एड्रेस इट टू मी, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, उन्होंने मैंने मैनेजर हायर किया हुआ है एंड ही इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग ऑफ द फैमिली। मैं बोलूंगा ठीक है, डन सर। हाँ जी, हाँ जी, बट सर हम करते हैं एक बंदा डीलिंग भी देखे। वैसे ये बस ताऊ और आपके थोड़े ना वो ज्यादा कनेक्शन है, मेरी आपसे उतनी बात नहीं हुई थी, इसलिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स ताऊ पर्सनली एड्रेस करता है। मालूम है मुझे, और मुझे बात पता भी है कि मुझे काम नहीं मिल रहा था। मैं बात सुन लीजिए, लुकस से मैंने बैठ कर क्या बोला था, लुकस ताकि मेरे को काम नहीं दे रहे हैं, ताऊ को बोलो कि क्यों। अच्छा मैंने क्या बोला था उस दिन फिशिंग के टाइम, और क्या क्या बोला था, आइडिया है आपको, याद है? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मेरे को ये बोला था अजय सर ने कि यार देखो मेरे को काम चाहिए भाई, मेरे को ताऊ काम नहीं दे रहे, तो मैंने वही बात बोली रॉकी भाई कि देखो सर आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है, इसलिए काम नहीं मिला, मैं बोलूंगा ताऊ को काम दे, तो सर उस दिन से आपको काम मिल रहा है आई गेस। और मैंने उस दिन क्या बोला था जब रिस्पेक्ट वाली बात आई थी, कि भाई कोई बड़ा, हाँ बिल्कुल, कोई मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं है यार, यहाँ पे हम काम करने हैं, मैं फैमिली के लिए टाइम देना चाहता हूँ, आपने यही बात बोली थी सर। सुन लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ, यही बात मैंने बोली। ये बात आपको नहीं पता थी, ये मैंने जानबूझ के इनके मुंह से ये निकलवाया जिससे आप लोगों को मालूम हो कि मैं फैमिली के बारे में क्या सोचता हूँ। नहीं नहीं सर, ये बात ताऊ को पता है। नहीं नहीं, वो नहीं, सबको मालूम होना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट। देखिए बात ऐसी है ना कि मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मुझे बताओ। अब मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे पुलिस वाला था ना, मेरे पास 50 पेज का एक पन्ना लगा रहता था, उस 50 पेज के पन्ने से हट करके मैंने एक भी काम नहीं किया सर। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ, अभी भी आप कंप्लीट नहीं करने दे रहा हूँ, मुझे बोलने दो। मैं समझता हूँ कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मैं जानता हूँ, सुन लीजिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जब पूरी यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ चीज़ें लिखी नहीं है या कुछ भी नहीं है तो ठीक है, लेकिन मुझे जाके बता दो कि अजय भाई आप एक काम करना, आप रॉकी भाई से बोल दो, उनको वो सब कुछ जो भी है बोला, ठीक है, मुझे कुछ नहीं बोला गया। और आई थिंक ये इसलिए हुआ क्योंकि ताऊ मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते भाई, ठीक है, नए नए मेम्बर आए हैं फैमिली में, टाइम आई अंडरस्टैंड, और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि थैंक यू दैट ही अंडरस्टूड माय सिचुएशन, बट ऑफ कोर्स इट इज बट बहरहाल मैं इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ, जैसे ही शहर में आप आओगे आप मेरे को कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। ओके ओके, डन डन, हां डन, आप मेरा नंबर ले लो। और सर इस पे मैं एक बात आपको बहुत छोटी सी बताऊं आरजे सर, हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है हमारा इस सिटी में आने का, हमारा इस सिटी में आके मैंने जो बताया अभी क्राफ्टिंग एंड दैट क्या क्राफ्टिंग जो रिसाइकल एंड ग्राइंडिंग, फिर करो ये दो काम आप पहले करो, उसके बाद सर चिल करो, कोई मतलब नहीं है कुछ करने का। फिर से बोलना। क्राफ्टिंग जो रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल एंड देन ग्राइंडिंग, उसके बाद जो मर्जी करें सर आप, अगर हमें आपकी जरूरत होगी तो वी विल कॉल यू कि सर वी नीड यू फॉर लाइक बैकअप, वी नीड यू फॉर लाइक इन 6 जो गैंग मेंबर्स फाइट के लिए जाएंगे, या वी नीड यू फॉर लाइक टू स्काउटिंग के लिए हमें बंदे चाहिए, राइट, वी विल कॉल यू। अभी ठीक है ना गाइस, आवाज ठीक है ना? दैट्स नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज हम लोगों का यहां पे आने का भाई, हम लोगों का यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही चीज है सर, कि हम आएंगे एंड वी विल हैव टू डू द रिसाइकल थिंग एंड ग्राइंडिंग अभी सर, राइट नाउ जो मेन चीज है वो यही है। मैं बोल देता हूँ, अरे आरजी जब आप सिटी में आओगे ना, यू जस्ट कॉल मी, अगर कोई ग्राइंडिंग पे लगा होगा तो मैं आपको उनके साथ कनेक्ट करा के उनके साथ भेज दूंगा, अगर कोई रिसाइकलिंग कर रहा होगा मैं उससे सब कनेक्ट करके आपको उनके साथ भेज दूंगा, अगर कुछ नहीं हो रहा तो अगर मेरे को भी, जैसे कई बार मैं रिसाइकलिंग कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ चल सकते, अगर
बिल्कुल ही फालतू टाइम होगा तो आप मेरे साथ होल्ड पे आ जाइए, हम बातें शाते कर लेंगे, गाने गुने गा लेंगे, वरना यू कैन बिल्कुल डू बिल्कुल योर बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लोर द सिटी, गो एंड एक्सप्लोर द सिटी। अगर बिल्कुल जैसे सर कई बार बिल्कुल होता सर है कि काम ही नहीं होता, सब वेले घूम रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ आ सकते हो, घूम लेंगे, पार्टी पुटी कर लेंगे, माउंट शिलियाड जाते रहते हैं वैसे चल लेंगे, आप बस मेरे को कांटेक्ट करो। ओके एक हाँ काम जी करना, अपना नंबर देना मुझे एक बार। और सर बात रही 4-5 बार दे देना। हाँ 1 मिनट, 06 52। आई एम सो सॉरी। हाँ भाई बोलना, 06 526 44856। हाँ बोलो। अरे बस ये पॉइंट है, आप मेरे से कनेक्ट करो, मैं आपको सबसे कांटेक्ट कर दूंगा सब कि कौन बता देंगे काम सर, से क्या काम कर रहा है। और तो कोई भी लाइक वही वही बात हो गई है कि मतलब भी मीटिंग ऐड करते हैं, अभी भी कंफ्यूजन होना हाँ। सैटेलाइट हाँ। मैं हूँ, रॉकी भाई हैं, ताऊ हैं, कभी भी कांटेक्ट कर लो, कभी भी कुछ भी पूछना, ठीक है सर, कोई भी हो कोई भी, ठीक है। हाँ और दूसरी बात भाई, अब चलो मीटिंग रैप अप करते हैं, खत्म करते हैं, बहुत हो गया हो गया। अब देखो मैं सबको काम बांट रहा हूँ, ये अपने कालीन का है, पीछे आरजे, ये अपना विल्सन, और अपने निक को लेके फिशिंग पे निकल जा, ग्राइंड कर लो। शैगी तेरे को ग्राइंड करना है या फिर रिसाइकिलिंग कर लेगा? ग्राइंड कर लूंगा मैं, दूंगा तो तू भी इनके साथ निकल ले, बेट वगैरह दिला दे। इट्स डन, इट्स डन, जस्ट वी हैव डन इट। कैसे करना है ठीक है, अगर इसके शैगी या सभी पैसे नहीं जैसे बोल रहे, इसको बेट दिला दे, मैं तेरे को पे कर दूंगा। हाँ और बाकी लुकस तो मेरे साथ चलेगा, और स्पूकी का तो चलो इसको बोलना नहीं, वो खुद देख लेगा। ठीक है तेरे को बाकी फिशिंग जाना है या मेरे साथ चलेगा? तू कहाँ जा रहे? मैं होल्ड पे जाऊंगा पहले देख के, फिर थोड़ा यहाँ उधर रिसाइकलिंग वगैरह में देख लेंगे, फिर फिशिंग चल लेंगे। चल मैं दे बताता हूँ तेरे को, दो मिनट। हाँ हाँ बात देख ले लेते हैं। और किसी को कुछ कहना था? नहीं नहीं और किसी को कुछ। राइट सर, थैंक यू। हाँ हाँ तेरे पास वेट है, तू भी निकल। सारे पहले कपड़े चेंज करो, नॉर्मल सिविलियन के कपड़ों में। अरे वेलकम सल चौधरी, कमिश्नर रिजाइन, जॉइन पीडीआरजी। हैं पहले रेडियो स्पैम करते हैं कौन सा ना, करके हम अपने बगल वाले वॉइस कटिंग ब्रदर, आवाज कट रही है, कौन सी किसकी आवाज नहीं आ रही है ना अभी? हां सभी लोग बोलो एक बार, आवाज आ रही है ना, कंफर्म करना। हां बोल 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 बोलो बोलो आरजे भाई। हां आप मेरे साथ आओ, और कौन था साइड में, साइड में आरजे भाई हो गए, और कौन था, और कौन था यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, तो शैगी था, शैगी कहां गया? ऑल गुड थैंक यू हर्षदीप। पूल के पास लुकस तू भी चल रहा है ग्राइंड पे? हां हां ठीक है, 4-5 हो गए, आ जाओ चल रहा है यार, पे क्या बात में लगे रहते हैं, मैं लेके आता हूँ आप लोग यहाँ। हाँ बोलो खाना है किधर, मेरे को नहीं मिल रहा है। पूल के पास हो, पूल के पास हो, वो रहे हम लोग आ रहे हैं। अच्छा सुनो, जिन जिन ने गैंग के कपड़े नहीं पहने मतलब पहन रखे वो सारे उतार के पहले सिविलियन के कपड़ों में आओ। ओके रॉकी भाई मैं सिर्फ अंदर आएंगे कपड़े चेंज करेंगे और बाहर जाएंगे, कोई अंदर कुछ नहीं करेगा ठीक है। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ गाड़ी के पास। ओके ओके आ रहे हैं बस। अच्छा आरजे भाई बस ना मास्क जरूरी रखना, भले ही कपड़े तुम्हारे कैसे हो मास्क जरूर रखना। मास्क तो नहीं, मास्क नहीं है मेरे पास। अच्छा जब मैं अंदर जा रहा हूँ। अच्छा हाँ आउटफिट होगा ना अंदर में? हाँ एक मिनट एक मिनट, मैं तुम पहले ये बताओ किस किस के पास वागोस के दोनों फाइटिंग और मीटिंग दोनों के कपड़े हैं? नहीं पहले मेरे को ये कंफर्म करो। फाइटिंग वाले नहीं है मेरे पास, फाइटिंग वाले नहीं है ना, मेरे साथ आओ सारे, मैं तुम सबके आज कपड़े चेंज कराऊंगा, पहले आओ आ जाओ। अरे हाय कहां घर में तुम रहने दो, तुमने वो कपड़े पहने हुए ना, बस चेंज करवा रहा हूं उनके कपड़े, आ रहा हूं मैं घर के अंदर कैसे पहुंच गया। आ जाओ आजा भाई। ऑलराइट नीचे आ जाओ नीचे। कौन टपक
मैं तो कह रही हूँ गाना ही गालो, मीटिंग ही नहीं खत्म हुई। हो गया हो गया। अब बेसिकली हम लोग फिशिंग करने जा रहे हैं, फिशिंग करके उसे सेल ऑफ मैं नहीं करके, कर रहा हूँ, गंडे उसे सेल ऑफ करके पैसे मिलते हैं। अरे ऊपर दैट एक्चुअली जाओ, हेल्प्स द तुम्हारा फैमिली। हो गया है, तुमने नॉर्मल कपड़े पहने ना, बस कोई अंदर आओ घर के, मैं अंदर फंस गया हूँ। नहीं, गैंग के कपड़े नहीं, दूसरे वाले सिविलियंस। मास्क नहीं है क्या? हाँ ये चलेगा, ये चलेगा, बस हेड उतार लो, आ जाओ। हाँ ये भी चल जाएगा, ये तो मेरा बस हेड उतार लो, तो बाकी सही है। हैट थोड़ा एक्चुअली नहीं, हाँ चलो पहन लो, पहले पहले स्टाइल लगता है एक्चुअली थोड़ा, मतलब लाइक आ जाओ आ जाओ। सारे बाहर है ना घर के, क्योंकि मैं गेट लॉक नहीं, करूंगा, आ मतलब जाओ। मतलब मैं मतलब उधर जेंटलमैन वाला जैसे, ऊपर आ मतलब जल्दी, जेंटलमैन्स है। जल्दी ओके, बाहर आ, चलो मैं गेट लॉक करूं, फिर बाहर क्योंकि मैंने निकलता टोपी हूँ। पहनी हुई है, थोड़ा अच्छा लग रहा हूँ इसलिए। हाँ, सब पहचान गया था मैं। मैं पूल के साइड में आपने हो रहा इन्हीं हूँ, कपड़ों सोलो में की तुम्हारे निकल लिए के गाना जगह गाया है। था, ठीक हेलो, है। अरे लुकास को कह रहा हूँ, थैंक्स। ओके लुकास, बार इसके बार बदले बार आपको वीडियो पे इतनी मैं अच्छी दिन क्या, बोलता इतनी हूँ। गंदी है। पता है क्या, कौन से वाला लुकास गन भाई? मेरे पास है, अरे दूसरा वाला, दूसरा वाला। हाँ मैं कोई बात नहीं, हूँ, उसको रखना सब पड़ेगा क्या? आ गया ना बस में, नहीं आ नहीं गया। उसको अपने चाहे जो अपने पार्ट में ले उधर रख लो, वरना अपनी जेब में रखो, पर ट्राई करना ज्यादा पुलिस वाले सिविलियन पकड़े को तो मुंह चेकिंग लगाने की होगी, तो वो जरूरत नहीं जा है सकती लुकास है। विल्सन, अरे बाप रे, मैं फिर तेरे को बता रहा हूँ। फिर वो हाँ मिलेगी नहीं, और क्या होगा। तो उस हिसाब से थोड़ा देखना कि पुलिस के वो मैं सब इंटेग्रिटी पे रख आते दूं? हैं। हाँ, इंटीग्रिटी पे रख दो, बस ऐसे ठीक है, रखना, अगर अपनी जेब में भी रखते तो पुलिस के सामने ऐसा हो आ कि जाओ आ जाओ आ चेकिंग पे जाओ। नौबत ना आए। हाँ उसी थोड़े को बातों में उलझा के चेकिंग से बचना है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। ऐसे देखना सजेस्ट पड़ेगा। करूँगा जब ऐसे फाइट फिट होती सिचुएशन होती है, तब एक बार बाबू राम, स्टैश राहुल निकाल भाई के ले उठाने आए, के वाले वो नहीं, मैं एक बाकी टाइम नॉर्मल गन यूज़ हमारे साथ करनी। चल रहा है, समझ मैं गया। हाँ कर हाँ रहा हाँ हूँ। अभी मैं जाके से ये इंटेग्रिटी पे रख वही है, देता हूँ, ये बेटर हाँ रहेगा। हाँ कालीन के साथ चले जाओ, गाड़ी ओके में परफेक्ट। फिशिंग भी करा लेगा, तुम तो ये भी बांध लेके करवाऊंगा। तो जा रहा हूँ मैं। अरे नहीं, मैं रॉकी भाई से बोलना ना, वो कीज कूज का जो हाँ बाहर हाँ तुम्हारे दोस्त आ है, जा हाँ रहा रॉकी हूँ मैं, भाई साथ आ रॉकी भाई, तो जा। मैंने कहा कि मैं 1 सेकंड इनके साथ जा रहा हूँ। मैं इनको लेके चलना है यार, फिर ये बोलेंगे। चलो कोई हम्म, नहीं, जाके गैराज के पास आइए, जरा गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, चल रहे हैं सारे बस। भाई मेरे को बाहर निकालो। अरे आपको शहर छोड़ के आना पड़ेगा भाई, मैंने मेरे को देख नहीं रहा आप पूरे घर में। चलो भाई चले चले चलो। गया क्या कहीं पे? आरजे भाई इसको कैरी कर लो, कहाँ अच्छा गया ये, कहाँ गया? हेलो, हेलो, कहाँ गया? दुकानदार देखते मैं आपको ताऊ क्या? के घर। अच्छा, सही बात, कितने लोगों की जॉइंट फैमिली है ये। बहुत लोग हैं, 12 लोग से ऊपर। अर्णब देव, बहुत बहुत स्वागत, हाँ कैसे भूल गया। हो? वेरी वेरी अरे वेलकम बाबू राव कहाँ गया? चलो मैं यहीं टू पे हूँ, गाड़ी स्ट्रीम। के सामने खड़ा हूँ तुम्हारे। तुम SMG is ready। वाह, कहाँ हो? निकाल दे इसका सर फाड़ी। कहाँ हेलो मैं यहीं पे हूँ, हेलो, है दिख नहीं रहा था। मेरी गाड़ी के, आपकी गाड़ी के साथ खड़ी है मेरी गाड़ी। ओके तो हाँ अपनी गाड़ी नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। शैगी कहाँ है अब? बेल्ट पहन लिए हम। धीरे ही चलाऊंगा, टेंशन ना लो। शैगी कहाँ हूँ? रुको इसको भी लेके आना जाएगी, बात और पड़ेगा। चीत कर रहे हैं हम लोग, नीचे कहाँ जा रहे हैं? अरे पानी में गिर जाएगी गाड़ी। अरे नहीं गिरी, नहीं गिरी। वाह, वो देखो। शैगी जैसे क्या बोला, आरसीबी का नजरिया अलग होता हाँ, है, दो खड़ा ही हो मिनट जाए। है कहीं, बता ठीक दो है, मैं आ रहा हूँ, अरे दो यार मिनट बस। तुम्हारे हाँ कपड़े सेव करवाने मेरे को, जल्दी एक कर मिनट, एक चीज़ दो। बोल बस देता दो हूँ मिनट, जैकी, देखो बस एक चीज़ बोल देता हूँ, कर एक मिनट रुको, एक मिनट, एक चीज़ बोल देता हूँ। जब तक ले, तुम थोड़ा अकेले में लाइक उधर आओ ना। सुनो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं नहीं होता, मैं जा मैं ही रहा हूँ, मैं जा ही रहा हूँ। सुनो, अगर लाइक तू आ जाओ, कहाँ है वो बाबू? चल क्लोथिंग स्टोर चल रहा है। समझी समझी, वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम। आग लग गई भाई, पीछे आग लगी, गाड़ियां हटाओ, आग लग गई।
अर्णव को बेल मिली क्या? अरे राम मेरे को एक बात बोलनी है, जैसे अभी ये रेडियो है तुम्हारा, ठीक है, अगर हमारा ग्रुप बन रखा है ना तो हम अलग रेडियो पे शिफ्ट हो जाएंगे, कोई बात बोलनी होगी तो उस रेडियो पे आ जाया करना, ठीक है? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, फिर वो भसड़ भी नहीं मचेगा, ये बेस्ट रहेगा। तेरे बिन जन सोढ़िया। देखो मुझे मालूम है कि किन लोगों को मेरी बात लग गई होगी, आई नो दैट, पर इट्स ओके। अरे कोई नहीं, उसका कोई इशू नहीं होता। अब देखो बाइक का साथ, बाइक का साथ, बाइक का साथ, बाइक का साथ, पीछे रह कर लो यार, राइट होगा। क्या बोले थे आप? मैं कह रहा हूँ देखो, जिस अगर बात चुभ रही है ना और बात सही है तो कोई बात नहीं, चुभने तो बंदे को समझ आना चाहिए, बस वो इम्पोर्टेंट है। आगे ले गाड़ी, आगे ले। नहीं दिख रही, बोल क्या हुआ? काली नू कंफर्म कर रहा हूँ, टीटू है ना? बस अब बस से निकल लो, वो कपिट हो गए, मैं बोलना नहीं चाहता। अरे सुनो, ये टीटू जहाँ दिखेगा अब इसे मारना है, ठीक है? क्या हुआ? बेफिजुल में गाड़ियाँ ठोक के जा रहा है और चौड़ दिखा रहा है, इसे पेलना पड़ेगा अब। मेरे को फोन आया था उसका, बीरू अर्णव को बिल मिल गया, पता नहीं, आई मीन लाइक अर्णव थे। अच्छा सुनो, मेरे साथ जो तीन लोग है ना, सारे रेडियो 30 पे स्विच हो जाओ, ठीक है? ये बादलों में मैसेज आया अभी। कौन सा मैसेज आया? मैं जो बादलों में मैसेज आ रहा है, एक मिनट देखता हूँ। क्या? हाँ कालीन, कहाँ हो? बस रेडियो 30 पे स्विच हो जाओ, ठीक है? हेलो कालीन, देख, इससे ना मतलब भसड़ भी नहीं मचेगी और अपना काम भी होता रहेगा, जिसको बात करनी होगी वो स्विच हो जाएगा। सीरियस बात होगी भाई। अब देखो भाई, अगर फैसला लिया है तो फिर अच्छे से लो ना, ये क्या होता है कि अभी बात सुन के निकाल दी कार। वो तो है, आ जाओ सारे, आ जाओ। कालीन भैया एनजीटी। जी फोटो बहुत खींचते हैं यार। देखो अपनी पहली ड्रेस का, रुको, अरे यार रुको, पहली ड्रेस वही वाली है जो आज डाली हुई थी हमने। हाँ पहली ड्रेस है, ये तुम्हारी नॉर्मल बातचीत के लिए होती है, जैसे मीटिंग। शायद मैं दूसरी चेंज करवाऊं, लेकिन अभी के लिए ये रखो। 14 जैकेट वेस्ट हुआ, 14 नंबर है, 14। मुकुल साइनी बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन ब्रदर, वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम। वन पे मेरे पास वो वाली है। आशा करता हूं कि आप अच्छे से हो एंड यू हैड अ फैंटास्टिक डे टुडे। प्लीज हिट दैट लाइक बटन गाइस, लाइक जरूर दबाना प्लीज, थैंक यू। आपके पास ये वाली जो मैंने पहने है, हां है ना, बस ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हारे को दूसरी बताता हूं, फाइट की है वो मेनली, जब फाइट होगी जब ही पहननी है, नहीं तो ऐसे उसे पहन के कोई घूमेगा नहीं। वेरी वेलकम एवरीवन, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों जरूर करना प्लीज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। ओह मॉडल्स, मॉडलिंग चालू है, अरे अरे अरे, it's a very hard work actually, not an easy job. So now 224 hai shayad, dekhna main confirm kar lu, ha 224 hai jackets mein, ha aur apni t-shirt hamesha 15 rakhna, theek hai? Okay ruko, nahi to ye tumhari baniyan type phatti hui dikhti hai usme।
ठीक है, और नेक टाई जो तुम्हारी होती है ना उसे एक बार ना 112 पे सेट कर लो, नहीं तो तुम्हारी ना वो थोड़ा गर्दन का इशू होगा इसमें। रुको देखता हूं। अर्जुन भाई आप भी कर लो क्या? सेट कर लो वो लड़ाई के कपड़े, बता रहा हूँ आपका पहला है 224 जैकेट वेस्ट। हाँ नहीं वो चेंज हो जाएगा उसके। आर्म्स नहीं, आर्म्स बाद में सेट कर लो, पहले आप कपड़े सेट कर लो। जैकेट वेस्ट, जैकेट वेस्ट नाम होगा। जैकेट वेस्ट 224 टेक्सचर 5 है उसका। हाँ और अपनी टी शर्ट को 15 कर लो, एक मिनट में आपको बॉडी वेस्ट दिखा दूँ। बॉडी वेस्ट आपकी ये है 16 है, ठीक है 16, और आपका टेक्सचर है 2। कर ले तू भी कर ले। और इसमें मास्क कैसे रखने हैं जिसमें कुछ भी पता ना चले, ना बाल ना, हाँ मतलब पूरे कवर्ड होने चाहिए तुम, ठीक है कुछ भी नहीं। अच्छा हाथ तक तो तुम्हारे को ग्लव्स ऐसे सही है ये देखो। हाँ कोई भी चलेगा, बस तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए उसमें। हैट उतार देता हूँ ना इसमें। और आपकी पैंट आप मर्जी है, ठीक है, और जूते मैं बता दे रहा हूँ। ये ग्लव्स दे बता दो मुझे, एक मिनट ग्लव्स मैं बता दे रहा हूँ, बस एक मिनट। जूते बस कोई भी पहनने हैं, बस पीले दिखने चाहिए, फिर भी मैं अपने वाले दिखा देता हूँ। ये ठीक है, इस पे मास्क। रुक जाओ मैं अभी नीचे की साइड हूँ ना, तो मेरे को दिख नहीं रहा कुछ। देख रहे हो आप, देख रहे हो? हाँ मिल गए। आपका शूज है 26 और टेक्सचर है 7। ठीक है नेक वाला भी एक बार कर लो, मैं नेक टाई बता रहा हूँ 112 और टेक्सचर 2। ये तो तुम्हारे देखो एक बार गले में कुछ फट सा रहा होगा अजीब सा। और मैं आप लोग 112 और टेक्सचर क्या है? टेक्सचर 2 ब्लैक कर लो, मर्जी है वैसे कुछ भी रख सकते हो। और आपका आर्म्स रख लो 41, ठीक है, और टेक्सचर तो कोई है नहीं उसका। ओके बस यही है और कुछ नहीं है। वॉचेस पहने हुए हैं तो पहन लो, वो वॉच हटा लो, वो मेरा भी गला तो रखता है। जीन्स कौन सी है वो भी बता दो, वो वही रहेगी। जीन्स मर्जी है कोई सी भी लगा सकते हो, बस ऊपर ऊपर के लगने चाहिए, पीले नीचे का तुम्हारी मर्जी है। ये ठीक है ना, पूरा गुंडा लग रहे हैं हम, एक नंबर। बस ये ना हमारे को शक्ल नहीं दिखानी, बाय चांस पुलिस ना कुछ भी मतलब नहीं, जैसे अगर बात करे तो मैं ऐसे ऐसे लाइक ठीक है ना। टेक्सचर होगा मास्क का, एक बार देखना होते हैं इसके। ओहो कोई पीला कर दे सॉरी, ये पीछे वाला। हां ये बात, ये देखो अब लगे ना गुंडा हम फुल। अब बस ठीक है, ये सेव कर लो, ठीक है। क्या लिखे इसको? वार मर्जी है कुछ भी। कौन सा मास्क है बताना जरा। अरे कोई सा मास्क पहन लो यार, बस पूरा मुंह नहीं दिखना चाहिए। हो गया, अच्छा लग रहा मेरे वाला, सेव कर लिया भाई। चलो छोड़ो यही ठीक है, कर रहा हूं। ना ना फटना नहीं चाहिए, चलो कोई ना। अब क्या करें, अब कैसे, अब इसको कैसे पहने, अब जो भी पहने थे अब इंटीग्रिटी चलना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, चलते चलते। Hey butterfly, कैसे हो? Thank you so much for joining. Fine brother. वाह। ये देखना किसमें चले यार। बस तुम्हारे को शांति नहीं है बे, आती है हम हमले कर देते हैं। चुपके तो चोरी चोरी होता है। फोटो सबके सामने। फोटो सबके सामने। तब आए चुपके चुपके ही। मैंने तो इसी नाम से सेव कर दिया। टुडुक टुडुम तोरक 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 पा 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 तोरुं तोरुं क्या कर रहे हैं हम लोग? पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ। मुकुल हेलो, मुकुल साइनी स्वागत, वेरी वेलकम गाइस, वेरी वेलकम आप सभी लोगों का। Hey, it's Butterfly. कैसे हो? Thank you so much for joining in.
स्वागत, हाउ आर यू? कैसे क्या ही चल रहा है भाई? हो? फिर एक तो और गाड़ी उड़ा ली उन्होंने सबको. यो 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 तेजस्वी, पहले ये बताओ कैसा लग रहा है भाई? बस 2 मिनट रुक जाओ, इनके कपड़े. ये मॉडल कैसा लग रहा है पहले बताओ, सही लग रहा है ना? फाइटिंग वाला. अब ये देखो कैसा लग रहा है, ये देखो सही लग रहा है ना? ओ क्यों लग रहा है ना पूरा. क्रोकोडाइम वाईटी, बहुत बहुत स्वागत, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वेरी वेलकम. पूरा यो वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम. कैसे हो क्रोकोडाइम, हाउ आर यू? वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम, बहुत बहुत स्वागत आपका. देखो गाइस, अब चैट पर जो लोग भी हो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. अब धीरे 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 लोग गायब होना चालू हो गए हैं. भाई मैं क्रोकोडाइल वाइटी नहीं हूँ, बस क्रोको, आई एम गुड. अच्छा 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 थैंक यू. हाँ बिना सीरियसली यार. क्या बोलते हो उसे? ठीक है भाई. वैसे कहाँ से हो गौतम कुमार, बहुत स्वागत. एक्सक्लेमेशन मार्क अबाउट यूज कर सकते हो सर, यू वुड गेट द इन्फो. वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम गौतम. अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू. घर से ही घर से हूँ बोलना चाहिए. अरे ऐसे नहीं, व्यूअर हैं पूछ रहे हैं डेफिनेटली, इसलिए मैंने बोला एक्सक्लेमेशन मार्क अबाउट यूज करिए विदाउट एनी स्पेस, यू वुड गेट द इन्फॉर्मेशन गौतम.
कौन है? पड़ी तो है लेकिन वो मैंने गिन, चलो कोई ना देता हूँ 400 कुछ है, चलो ठीक है। Okay. रुके रहना गाइस, रुके रहना। ओके और कितना देर यहाँ बैठे रहूँ? अरे कहाँ गए वो लोग? अंदर में देखिए भ्रमण चल रहा है। एक काम करेंगे गाइस, राइट, हाउस एक फिशिंग कंप्लीट करके अगर जल्दी से यहाँ सिटी से लीव करना हो तो लीव करेंगे, कुछ भी करें और कुछ करना हो तो वो भी कर लेंगे, राइट। विल ट्राई एंड एक्चुअली शो समथिंग मोर, लेट्स सी। लुकास कहाँ है तू? अरे सुनो मैं फिर जा रहा हूँ सीधा। अरे वो रुक जा। अरे वो शैगी, वो रॉकी की गाड़ी है यार, शैगी रॉकी की गाड़ी है वो। अपनी गाड़ियां कर इधर। अरे राम, चलो चलो सारे चल रहे हैं। किसको बेच चाहिए? रॉकी पहले तो रेडियो 30 पे स्विच हो जाओ। बोलो बोलो, रेडियो 30 पे स्विच हो जाओ। बोलो आज से देख लो उधर क्या हो रहा है। पू पू करके आवाज आ रहा है। क्रोको थैंक यू क्रोको। अबे वे चल रहे हैं यार, तुम टाइम वेस्ट मत करो, चलो गाड़ी में बैठो। पहले इंटीग्रिटी चल रहे हैं, सामान उठा के चलो फिर ग्राइंडिंग चालू करते हैं। जाओ
आपका ये वाला अपार्टमेंट है? सभी गए पहले जाओ, सारे अपने नॉर्मल कपड़ों में आओ, ये कपड़े नहीं पहनने यहाँ पे। रॉकी रॉकी हाँ बोलो, मैंने रख दिया ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ सारे चल रहे हैं, तैयार हो ना सारे, मैं इनका चेंज करवा रहा हूँ, कोई ना फिर जल्दी करवा के आ जाओ ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा ओके। अभी ठीक है, आवाज सही से आ रही है मेरी? हाँ पहले फट रही थी आपकी आवाज। ओके ओके अभी ठीक हो गई ना एकदम पूरा? वेट लाए हो ना? कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ कुछ नहीं है, रुको मैं दिलवा, सिर्फ फिशिंग रॉड है बस, फिशिंग रॉड है ना, बेट्स में दे देता हूँ। पियर से कर सकते हैं आई थिंक, यहीं पे खड़े खड़े हाँ हाँ कर सकते हैं, कर वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। कोई नहीं अभी तो है नहीं, मैं आपको दे देता हूँ, आ जाओ वहाँ, चलो वहाँ चलो, वहीं पे दे देता हूँ। सॉरी कोई नहीं उसमें क्या सॉरी, कालीन बेड उठा ली ना तूने, तुमको भी देनी है किसी को, अरे तुम्हारे को भी देनी है क्या, कन्फर्म क्या करो भाई, पहले पहले शहर छोड़ के आके तू खरीद, मेरे पास कम हो गई है अब, बड़की मछली पकड़ेंगे आज, मैंने फैमिली का नाम देख रहे हो? अरे भाई नीचे रखना बड़ा डेंजरस है आज, क्या कर रहे हो? मिल गया, पीछे देख रहे हो फैमिली का नाम लिखा हुआ है पीछे, देखो हाँ मैंने देखा हुआ है, जब भी तो यहाँ आता हूँ मैं, कोई आया तो पता लग जाएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी, ऑफिस। हेलो तो त्रिपा जी, क्या हाल चाल? ये लोग कहाँ रह गए? तुम्हें कहाँ रह गए? बाहर है रास्ते में, पहली फिशी गोल्ड फिश है। वाह 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 बात है। हेलो क्या हो गया? इन्वेंटरी खाली कर लो सर। अरे हाँ यार, अरे वो निकल गई कॉमन। अरे यार मेरे पास तो जगह नहीं,
ये भी सही है, तुम ये कर लो। क्रैप भरा हुआ है। कर 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 सुन, एक बार सुन, क्या नाम है, एक मिनट पीछे रख दे रहा हूँ बाबू। नहीं नहीं नहीं, रखो मत, रखो मत, सुनो बाबू, इसमें रख दो ना, ट्रंक में इन, मतलब इनको लेके जा इनके घर पे, ट्रंक में डाल दे रहा हूँ, ट्रंक में मेटल रखवा दे। हो गया, ट्रंक में चला गया पूरा जितना भी सामान है ना। ओ भाई व्हाट, अबे कल इन गाड़ी उठा अपनी, सिलेंडर फट गया, ये देखा क्या हुआ, जल्दी 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 जल्दी, बंदा नया लिया था आज, सिलेंडर कैसे फट गया भाई। अरे टाको कह रहा हूँ, इसमें होता है यार, अब वो चलता फिरता है, चलता फिरता बम बंदूक है। हाँ सही मुकुल, मुकुल सही बोल रहे हो, मैं भूल गया था यार एक्चुअली। कोई नहीं, चल रखे रहने दे, वैसे ही बहुत रहता वो, छोड़। आज भाई कम से कम 60 का स्पेस। अरे ओपन ही नहीं हो रहा है। करो जिम में ये करते सुनो के। हाँ हाँ। आ जाओ सारे आ जाओ। डेट्स हैं कि मैं दूँ? यहाँ पे रबर डालना है, रबर गिरा दे रहा हूँ, रबर रखूँ, गिरा दो। सुनो फिर, ये लो मैप, गिराओ। मैंने रबर रख दिया, ले लो जिसको लेना है रबर। रबर लेके वो गिरा दो, बेट पहले ले रहा हूँ, और मेरे पास रॉड वॉड भी नहीं है जो भी होता है। उठाओ भाई, गेर दी मैंने, बस यही चाहिए और कुछ नहीं ना। अब वो तो इतने तो पैसे होंगे कि आपको एक वो रॉड लेनी है। कितने की आएगी? आओ देखते हैं। अरे यार अभी गायब हो जाता, ये भी सही। अरे इनको वो इंस्टेंट वाले पे रख लो ना रॉड को। हाँ हो गया, बस इंस्टेंट वाले ही कर रहा हूँ। पता, मैं सुबह आया था 2000 के साथ, 2000 के बाद मैंने यही कर करके जो थोड़े पड़े थे। अरे भाई 70 प्लास्टिक, 70 प्लास्टिक है मेरे पास। 70 प्लास्टिक, अरे यही जमीन पे फेंक दो कोई ना यार। अरे प्लास्टिक बहुत जरूरी है। मेरी गाड़ी में रख दो, ऐसा करो। हाँ है, आओ मेरे साथ। देखो अनलॉक है तो, नहीं तो मैं खोलता हूँ। चला गया, चलो मैं बता, बहुत खाली करके लाता हूं यहां पे। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का दाहिना ही नहीं। यहीं पर हूं, आ जा। कहां है तू, दिख नहीं रहा? वहीं पे मेरी जीटीआर खड़ी होगी। ना तो नहीं है, तू क्या नीचे की साइड कर रहा है? मैं बीच पे कर रहा हूँ। अरे ना हम आगे हैं, वो जहाँ पियर बोलो, पियर पे हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ पियर पे हम लोग, मतलब जो तेरा जहाँ पे से खरीदता है ना, तू आगे की तरफ आएगा तो एक डेक टाइप बनाया आगे, वहाँ पे आ जा। आ रो वहाँ कर रहे हैं सारे। चलाओ भड़की मछली, आज दबा के लेंगे मछलियां, पकड़ते कैसे, सारा समुंदर अम्मी खाली कर, भागता रहता है वो। सुन अभी जाए, अरे कुछ नहीं होता, अभी देखे थोड़ी देर में एक लाइन आएगी तेरे को, एक मिनट लुकस बस, थोड़ी देर में तेरे को एक लाइन आएगी जो ऊपर नीचे हो रही होगी, जिसमें हरे पार्ट पे जैसी वो आए ना, हाँ जैसी वो हरे पार्ट पे आए ना, तो ई मसल दबा दे, पकड़ ले, पकड़ लिए। हाँ जा आगे, कहाँ कह रहे हो? बढ़िया, कहाँ पर हो तुम? पियर पे, वो फ्लाईओवर पे, मतलब वो फ्लाईओवर से बिल्कुल एंड पे पहुंच। यार कॉमन फिस आ रही है। ये भाई कास्ट करने को क्यों बोल रहा है? क्या मतलब, अभी एक ही मछली पकड़ी सबसे, यू नीड टू कास्ट द बेट, लार्ज माउथ बास, वो खाली हो गया ना, अब तू चारा तो डाल वापस उसमें, समझ रहा है?
50 में 50 ही पकड़ेंगे। हाँ तो 50 ही पकड़ेगा, अब तेरे को क्या लगा, हजारों पकड़ लेगा तो उसे। अभी तूने 50 भी लिया ना, बहुत फायदा देगा ये 50, देखो इसमें ये जितना डालेगा उसका डबल निकालेगा। अबे यार, अबे थोड़ा नीचे किया फिर भी मिल गई फिश। अरे टेंशन ना ले उसकी, वो निकल जाती। नहीं यार तुम यहाँ पे चल, कोई नहीं मैं यहीं पे कर लेता हूँ कोई। अरे सुन, वहाँ पे आ, जहाँ से खरीदते हैं ना, मैं आ रहा हूँ लेने। भाई वहाँ से वहीं पे तो हूँ मैं, उसके नीचे सीधा आ जाओ, बिल्कुल नीचे नहीं, ऊपर आ, जहाँ से खरीदते हैं वहाँ बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल कॉर्नर पे आने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ से खरीदते हैं बिल्कुल उसके सामने। अच्छा अच्छा, ये बोला। हनी एक्सआर गेमर, बहुत स्वागत, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, प्लीज डू हिट द लाइक। हां शगी, मेरे को तो 900 दिखते जब आता हूँ मैं। राइट में आ जाओ यार, भाई ये कौन है इतने चौड़ में जो गाड़ियों में घुस रहे अंदर, अपने ही है लग रहा है। प्रोफेशनल भाई, सीढ़ी के नीचे, ये भी सही है। मेरे को ना उड़ा देना निकलने, मैं बता रहा हूँ पीछे ये गाड़ी तेरे। अच्छा अच्छी मछली कब मिलेगी? रैंडमली मिलती है, अच्छी भी मिल सकती है, कॉमन भी, कॉमन ज्यादा मिलती है। हरे पे नहीं कर रहा हूं, फिर भी मिल जाए। हां तो पैसे की बारिश कर दो। हां हां कोई नहीं, लेकिन मेनली अपना फोकस हरे पे रखते हो, ठीक है? वाह, आज ही नहीं भाई, रोज करनी पड़ेगी 20,000 की बारिश। तो नीचे चले गए सारे, नीचे ही हम तीन ही ऊपर है बस। 20 नहीं, हम ज्यादा भी कर देंगे यार। बताऊं क्या होता है, मैंने 3 इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी जाना पड़ जाता है यार। कोई नहीं भाई, जितना दे सकते हो बस उतना दो, अगर बाय चांस कोई ज्यादा कमा ले। वैसे तो मैं जैसे यार कल ही तुझे पता, हम लोग रात को रहते हैं यहां पे। हां तो हम तो आराम से 20 निकाल सकते हैं, मैंने फिर भी 15। बहुत मस्त है यार, बहुत मस्त। कुछ बोलना बस भाई, मैं बता रहा हूं ना, जो सॉलिड सॉलिड कोई पुलिस पीछे पड़ेगी, दोनों आ जाएंगी, पुलिस कंफ्यूज की किसके पीछे जाए। अरे बहुत स्मार्ट आदमी है भाई। अबे रुक ना, मैं भी निकालूं, टेंशन नहीं ले रहा, एक मैं भी खरीद रहा हूं अभी, इसी में तो ग्राइंड चल रहा है मेरा, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स से 21। मुझे सेंड भी किसके भी चले जाए, पकड़ लिया तो भाई मैं तो था ही नहीं, थोड़े चक्कर दे रहना। ओह हां सही बोल रहे हो, मेरे को तो वो सीन अच्छा लगा था आरजे में, शायद तुम थे वहां, मेरे को याद नहीं है। ये हुआ था स्पूकी भाई के पीछे पुलिस पड़ी थी, हम लोग थे पीडीएम में। ओ भाई जो मजड मजी है भाई 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 के पुलिस पुलिस के पीछे हम। ओ भाई ठोकने ठोकने जा रहे कहीं से भी। मेरे को ब्लू फिश मिली है। अरे यार बताओ मत, जो निकल रही है निकाल के बेचो, खत्म, पटक बस, मार पटक के, बस तुम्हारा प्रॉफिट पक्का है, बस याद रख। कौन है जो रगड़े जा रहा अंदर? ऐसा लग रहा है, अरे वाह छाता होता लेके आ गए हमारे दोस्त। ये भी सही, बादल है, स्विमिंग करेंगे आरजे सर इसके बाद। वाह ऊपर चांदनी रात चल रही है। नहीं कपड़ा खोलेंगे इसे कूद जाएंगे, जिसको देखना देखेगा। अगर नीचे साग हुई तो चबा लेगी वो, फिर ऐसे ही रहेंगे, फिर कुछ और बन जाएंगे, जलपरी बन के घूमेंगे। इसको देखो अलग ही, मेरा रख लो, ये क्या होता है? नहीं मैं बोल रहा हूँ जलपरी बन के घूमे ना, फिर साग तो खा लेगी पूरा आधा धड़। कहाँ जा रहा है बेचारी, में जान भी लियो ना, वाह देख लो खाली, देख लो, अरे अरे ये हमारे प्रोफेशनल गैंग मेंबर्स जिनके नाम लिस्ट में आता है। भाई क्या चल रहा है, बंदा रगड़ दिया। टर्टल क्या होता है वे? वाह टर्टल मिल गया है, टर्टल कब से मिलने लगा है? लो पता नहीं, टर्टल टर्टल बेट लगाया था क्या आपने? ए, पता नहीं, ये नशे कर लिए इसने और कुछ नहीं, छोड़ो। आज इधर आइए नहा के आते, ठंडे ठंडे लग। अबे भाई तुम्हें ग्राइंड के लिए लाएंगे नहलाने को लाए, ये बताओ पहले तुम्हें। अरे यार एक बार आपको बचाने के लिए कूद गए थे पुल पे से। ये भी सही है, याद है एक बार सांप बने थे मालूम है? सांप बन गए थे, पहाड़ी सांप। अच्छा ये देखते हैं ना, तुम्हारी जेबें तो नहीं भरी, ठीक है?
याद रखना हमेशा भाई मेरी दो बार वेट वेस्ट हो रही है, ये क्या हो रहा है? अच्छा ये नीचे लाल लाल है, देखो शार्क मिला। अच्छा वो हरे पे ही लेना है ना, इससे पहले नहीं मिलेगा? अगर हल्का फुल्का चल जाता है लेकिन पूरा नीचे में नहीं आएगा फिर। अरे यार भाई मैं चार वेस्ट कर दी, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रेड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा थोड़ी ना पड़ रहा, सब यहाँ कोने में खड़े हैं। अबे यार तुम फालतू की बात हो ना, तुम नंबर वन हो कसम बता रहा हूँ। ये देखो ये क्या बोले अब इस बंदे को, हम बताइए। बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिल रहा है मालूम है, जो लोग यहाँ कपड़े पहन कर आए हैं ना। ओ भाई वाह, देखो अलग प्रोफेशनल, एक से बढ़कर एक हमारे। जूम जूम, अरे हेलो हेलो, नहीं अबे तुम लोगों को एक बात समझाई थी, समझ नहीं आ रही मिक्स इधर आ। हां बोल। तब बोला गया है कि गैंग के कपड़ों में नहीं होना, तुमने क्या चुरा है? फोटो खिंचवाने भाई रुक जा, जल्दी फोटो खिंचवा और कपड़े चेंज कर गया मैं पागल हूं, सब कुछ चेंज करवा दे। सलमान खान मिल गया, सलमान करके एम शेयर छोड़ के जा रहा है, चेक कर देना। हां हां मेरे लिए भी खरीद लिए थोड़े से, ठीक है? क्या चारों तुम एक पे चलो, बड़की मछली आएगी अब 900 होंगे ना, 300 में बड़की मछली 15000 दे दो। अरे अरे स्पेस कितनी होती है एक मछली के लिए? एक ही होती है। ओके ओके रॉकी आ रही है। आमन पीस अबे कितनी रॉबरी मार गया है, हेलो कुछ नहीं हुआ इनसे, चलना तू करना। मैंने अभी दो शार्क पकड़ी हराम को, अबे शार्क मीट होता, शार्क नहीं पकड़ी तूने। अरे वही अच्छा सुनो, ये जो T2 मिला है ना पेल लो, ठीक है? बहुत चौड़ने लगा ये। नहीं नहीं वो उसे हॉस्टेज चाहिए था, कोई बात। अबे हॉस्टेज की बात नहीं है बे, अभी पिल बॉक्स कर रहा हूं साइड वाले बैंक। नाइस किस्मत सर, कॉमन फिश कम मिल रही हैं। अच्छा तो कॉमन फिश अच्छा है क्या? लाइक मुझे नहीं पता कॉमन फिश। अच्छा अपने अपने हाल तो बताओ पहले, क्या अच्छी चीज है खराब मुझे नहीं पता है एक्चुअली गाइस, मुकुल नहीं पता मुझे, आई एम सो सॉरी। मैं इन सब में प्रो नहीं हूं, ये सब हमें लगा ही था तो मारने वाले हैं। अरे रॉकी सुन ना, एक एक बेड ड्रॉप करो। ओ नो ओके नाइस किस्मत, यहां ड्रॉप मत करो बे, फिर हमारी इसके बाद कैंसिल कर दूंगा, कहीं और मूव हो जाऊंगा। अरे किसी पास एक्स्ट्रा वाइट पड़ी है। अजय सर आपका ओवरकोट कुछ ज्यादा ही ओवर है। मालूम है अच्छा अच्छा मैं क्या करूं मुकुल, नहीं आ रही है कुछ, क्या किस्मत है बैट वाली किस्मत। सॉरी ब्लू फिश इंटरेस्टिंग। ये गलत बात आ गई भाई, अबे यार इसका फटा गला बंद कराओ बे कोई। नहीं लगेगी वो गले, चल निकल यार। ओए यार इसके मुंह पे टेप पे बांध दे देते शायद कहीं पे अब तो बोल किसे डिसिप्लिन सीखना चाहिए। अगर कोई पूछे ना बीट कैसे मिल रही है तुम्हें तो बताना मैं तेरे राज। वो मैं ही वही बोल रहा हूँ, किसी को ये नहीं बताना कि शायद छोड़ के आना, तो भाई जितने बंदे लॉस में रहेंगे उतना हमारा फायदा होगा।
की बहुत फूटी किस्मत है। क्या हो गया? कॉमन फीस मिल रही है, कॉमन। अरे हमें भी कॉमन ही है, कॉमन भी फायदा ही है थोड़ा सा। क्या यार, कम फायदा पर है। अरे जब वो बाहर आती है ना, बाहर निंजा टेक्निक बताता हूँ, निंजा टेक्निक बताता हूँ। अच्छा, जब वो बाहर आती है ना, बाहर बार बार जब फंसती है, हाँ, तो उसको ना ट्राई करना, जब सबसे ऊपर हो ना ग्रीन के उस पे, तब दबाएं, कॉमन फिश नहीं आती। अरे बार बार आ रही है उसी पे, ट्राई करो, ट्राई करो एक बार। मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा रुक के प्रेस करो। अच्छा, समझ गया मैं। तड़पाओ थोड़ा खुद को। अच्छा। गुस्सा आता है जब कॉमन कॉमन। अरे साथ में गाना भी गाते रहो ना, हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ओ अरे तो स्ट्राइप आया भाई। हाँ, मुझे लग रहा है ये बेटी सही नहीं है, समझे? चार चार साल पुराना, पांच पांच साल पुराना एकदम बेट दे रहे हैं। कॉमन फिश भाई, ठीक है। यार दिन करवा जल्दी, फोटो खींचनी है। बस बस भाई, ये पोजीशन चेंज करवा दे, कॉमन फिश आ रही है। हमको लग रहा है यहाँ ये श्रापित एरिया है। हाँ हाँ, किसी की मौत हुई थी क्या? कूद गया था यहाँ से, क्या पता। तो लग रहा है यो, भागो 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 भाई, कब देखा मुझे लग रहा है। अरे रुक जा सर, अरे राज्य सर खड़े हैं भाई बगल में, देख तो ले। पहले डंडा निकालेंगे और तुम्हारे पिछवाड़े में डालेंगे, ये याद रखना आपको। अबे यार देखो, सीधा है 7, 9, 11, 13 लाइंस है। अरे भाई तो भाई मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय। बाप रे, यार ये तो 93 अभी ही बाकी है बहुत। आओ उधर चलते हैं। अरे यार गाने भी नहीं सुन पाएंगे। आप लोग सुनो, कोई बात नहीं, आप जाओ, इस फाइन मैं अकेले यहां से हूँ, नो वरीज।
ग्राइंडिंग में भी बहुत मतलब आई मीन मेहनत तो लगती है टू स्टे ओवर देयर 30-40 मिनट्स का ग्राइंडिंग है कूल कॉमन फिश रेट कम है उसका इसीलिए ऐसा हो रहा है फिशिंग में सक्सेस रेट अगर कम होता है तो ऐसे ही होता है सक्सेस रेट एक्चुअली कॉमन फिश का ज़्यादा किया हुआ है इसलिए कोई बात नहीं इट्स ओके हेलो आरजे सर हेलो अरे भाई कैसे हो बढ़िया बढ़िया बताएं कैसे हैं हाँ बताओ सर आई एम ओके व्हाट इज गोइंग ऑन हाउ इज एवरीथिंग हाउ इज एवरीथिंग गुड वैसे अपना नाम नहीं बताया आपने हाँ सर जल्दी में निकल गए थे थोड़ा हार्डी नाम सर अच्छा हार्डी और हाउ इज फिशिंग गोइंग ऑन फिशिंग बहुत बढ़िया गोइंग ऑन लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या हो गया सर लगता है श्राप लगा हुआ है कॉमन फिश का मेरे ऊपर अरे ऐसे कैसे अच्छा थोड़ा समय दीजिए आएंगी बढ़िया भी आएंगे हम आ गए हैं आपके साथ रोने का मन कर रहा है यार है एक भी बढ़िया अरे ब्लू आई भाई बोल तो रहे हैं हम आए हैं आपके साथ देखिए आपको हमारी किस्मत आपके साथ है थोड़ा टाइम रुकिए गोल्ड वोल्ड भी मिलेगी तो आपको अरे होल्ड पे जाओ भाई कोई यहाँ पे आ गए सब यार सारे यहीं आ गए क्या लूफिस भाई दो बंदे तो जाओ अभी होल्ड पे किस किसने कहा था जाने को शहर में मजा आ रहा है आपको मतलब लुकस स्लेक शहर भ्रमण चल रहा है हाँ बोल भाई बोल होल्ड पे किस किसने अच्छा रहता है ना आज ही सारा समुंदर खाली करने का यस लविन बहुत लेट आए आप यार कॉमन फिश गुस्से में पानी में मत कूद जाइएगा मेरा वही मन अरे कैसे पता लगा आपको टैलेंटेड लोग है ना मन पढ़ लेते हैं रहते मेरी टांग अगर फंस गई ना तो यहीं लटके रहेंगे अरे कॉमन फिश थोड़ा रुक के करिए दो एक दो मिनट का गैप लेके करिए अच्छा हम सच बता रहे हैं हम कंप्लेन कर देंगे मालूम है कर दीजिए कंप्लेन उससे कुछ होगा ए समुद्र देव हमारे साथ ना इंसाफी कर रहे हो ना जाओ वेरी वेलकम लविन वेरी वेलकम गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आज आपके दोस्त बहुत सारे हैं आपको लग रहा है हाँ बस एक्चुअली क्या है ना कि बस कर रहे हैं काम जितना हो सकता है बढ़िया लग रहा है आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं नहीं प्लान की बात नहीं है बस यही फिशिंग कर लें अठन्नी चवन्नी भी नहीं रहता जेब में बात तो सही है आपकी अरे क्या यूज कर लिया यार थोड़ा ये वैसे जो भी बोलिए आप गाते बहुत अच्छा है थैंक यू मेरे भाई बहुत बहुत थैंक यू आगे जाता हूँ मैं हाँ 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 हाँ
अरे धन्यवाद यार, वो जानवर मेरे को पका रहा था, मैं इधर आ गया आरजे सर के पास। मैं तो क्या बोले जानवर ढूंढ रहा था, मैं कहाँ नहीं है। निक 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 सुन इधर। हाँ बोल। ये यार ये तो कॉमन फिश की लड़ी लगी हुई है। अरे वो ग्रीन और रेड का जो टच है ना, मिलन होता है उधर क्लिक करो, मतलब समझ रहे हो। अच्छी खास मिलेगी। अबे एक और बंदा भेज ना, क्या हो गया? चल चल वो देखो लो। अबे यार मेरे को ग्राइंड करना है यार, पानी में कूद गए एक आदमी। अबे यार मैं तो सुबह से बोल के बैठा हूँ मेरे को आज करने दो, कल से तू बुलाएगा मैं आ जाऊंगा। आज थोड़ा ना अमाउंट ज्यादा करना है, तो मेरे को ये आज का खत्म कर लेने दे। आ जा छोड़ दे मैं भी यही। अरे यार चलना है क्या बता, फिर मैं क्या बोलूं बैठ के। रुक जा देखने दे, शहर में है कोई बंदा या नहीं। शहर तो भरा पड़ा है। अबे यार वो बंदा है, करेक्ट तो ना मेरे टैटू नहीं दिख रहे थे, इतने आया वो वाला बीच। प्यारे प्यारे टैटू बुलवा के आना, मैं शरीर में मजेदार लग रहा हूँ बिल्कुल, मेरी आंखों में। एक तो भाई मेरी गाड़ी इतने पैसे। नेक्स्ट टाइम से सुनो नेक्स्ट टाइम से ये रूल रख लो कि ग्राइंडिंग के समय सिर्फ एक दो गाड़ियां लाओ। अबे मैं तो तुम्हें बोल ही रहा हूँ भाई, ऐसे ग्रुप बनाओ ना, ग्रुप में देखो चार बंदे इधर चार बंदे उधर, क्योंकि ऊपर देखो भाई गाड़ियों का फ्लेक्स चल रहा है। अरे गाड़ियों को छोड़ यार, तू गाड़ियों का इशू नहीं है, हमारे को मछलियाँ पकड़ना मेन मकसद है और कुछ। सुनो चार का ग्रुप बनाओ, चार अभी वहाँ पे होल्ड पे जाओ, चार यहाँ पे रहो, फिर चार बाद में उधर चले जाओ, फिर चार इधर आ जाओ, मतलब जैसे जैसे जेब भरती रहती है स्विच होते जाओ, खत्म। ऐसे कर सकते हैं आप तो, देखो अगर तेजी से करना तो। मैं तो सोच रहा हूँ ना कमांचो उठा के वल समुद्र में कूद जाऊँ, कमांचो के टंकी में सारी मछली भर लूँ और चला आऊँ। क्या कमांचो दिख जाएगा तू खुद? दे सुन दिख जाएगा खुद, तीन दिन के अंदर तेरा जितना पैसा कर लूँगा मैं। चल ठीक है, पता है कितने पता कितने का बेचते हैं, जितना तेरा लगा लूँगा तो अभी 65 और मांग रही है। तो फिर पहले फुल्ली मॉडिफाई करा ले, मेरे को बिल दिखा दियो मॉडिफिकेशन का, उस गाड़ी का। हां तो ठीक, फिट गाच लूज 4 लाख दे दियो, 4 लाख देना पड़ेगा। पता है मेरे साथ क्या हुआ अभी? अरे मैंने कहा अगर हम ये छह महीने ये कॉमन फिश लेते हैं तो पैसे बढ़ते हैं क्या? क्या मैंने कहा कट्ठे में अगर पैसे लेके वो पैसे कह रहा हूँ कॉमन फिश लेके जाए मतलब बहुत सारी तो पैसे बढ़ते नहीं, जितना एक फिश का प्राइस होता है उस हिसाब से गाने लगा सकते हैं। नहीं रहे नॉन चोपी है। हां हां वो लगा दो कोई नहीं, प्यारे प्यारे गाने में जुर्म मत। नॉन चोपी देखो मौसम के हिसाब से लगाना, मतलब प्यारे वाले ना कि रैप सुनने। अभी हम बता रहा हूं मौसम बड़ा प्यारा है अभी के टाइम पे, बड़े प्यारे वाले बजा दो। अरे 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 कुछ ये कंप्लीट करने के बाद मैं एक्चुअली सोने चला जाऊंगा। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। अरे कोई नहीं, कल से यही होगा, आज थोड़ा मीटिंग में ज्यादा टाइम दे दियो।
जरा ये देखो। हाँ भाई हाँ मैंने देखा। अपने में कोई सिचुएशन में है क्या? हे जोशी कैसे हो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीबॉडी, लव यू ऑल, थैंक यू। रेडियो पे पूछो ना, पूछा है कोई नहीं बोल भाई। 50 कॉमन पीछे मेरे पास। ये जहां हंसते हैं जादुई मारते हैं तेरा रा रे रा। बड़ा प्यारा गाना था। और लगाओ और लगाओ। वाह इसे कहते हैं असली ग्राइंडिंग। गुड बारिश है। लगाओ लगाओ। बारिश भी अच्छा गाना। अरे अरे लग गए क्या? लगे नहीं, मैं तो भूल गया था। रेडियो क्यों बजाना जब अपने साथ एक सिंगर है। आज से चलो शुरू हो जाओ। वाह 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 वाह, ये भी सही। चलो चलो, सॉरी हाँ दिमाग से निकल गया था। चलिए चलिए शुरू हो जाइए। आपकी मधुर आवाज हमें बहुत पसंद है।
रेड फीस बाह ये गाना है। अरे हम वो बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, फिशिंग में इन्वॉल्व हो गए थे। कोई नहीं, खो गए, खो गए हम गाए। बस ये इट गॉस लूज। अरे यार ये फिश निकल गई यार, एक मिनट को उसे लग कंप्लीट हो जाए। आते आओ बड़की फिश लगवाते देखिए, रुक जा बड़की फिश आ गया। एक आ सकती है शायद। एक और वाह तुम भी से बस ने माया तुमको सही। रे 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 अब तो आए जा आए जा। खड़े हैं सुनो सारे मेरी बात सुनो। अभी हम ये जो इतना कर रहे हैं, हमारे को मतलब दूर दूर जाना है, बेच के आना है, इससे बेटर ऑप्शन बताओ तुम्हें, रेस्टोरेंट के पास ही पानी पड़ता है okay. वहां से करें क्या, मतलब इंस्टेंट होगा बहुत ज्यादा जल्दी, गाड़ियों की तक की जरूरत नहीं। अब से वही करेंगे, मेरा जेब फुल है, मैं जा रहा हूँ बेचने के लिए। चलो चलो साथ ही चल रहे हैं, वहीं पे शुरू कर देंगे वापस। चलो आ जाओ, खाली फिस ही फिस कर दिए हैं पूरा, गाड़ी में बैठे सारे वहां जा रहे हैं। 44 कॉमन फिस, बाप रे बाप। और मैं हेलो कॉपीराइट टेबल है। अच्छा अच्छा अभी देखना लोग देखेंगे ना, वहाँ भीड़ लगी फिर वहाँ पे बढ़ जाएंगे। रुक मैं आता हूँ, मैं भी आता हूँ। जहाँ बेचते है ना बस उसके पीछे ही पानी है, ठीक है आ जा। गाने बड़े प्यारे मिलते हैं। और क्या ऐसी ग्राइंड नहीं होना, मैं रोज कर सकता हूँ भाई ग्राइंड कसम।
वैसे तो मन मेरा भले ही रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। अरे वाह, अभी उतरना होता, अभी उतरना होता। यहाँ पकड़ेंगे, अब जा जाओ। तुम कोई गाथी थी। हम लोग पीछे साइड आ चुके हैं फ्रेंड्स, पानी मिल गया हमें, आ जाओ। गाड़ी सारे भारी खड़े कर रखे थे, देखो वहाँ पे नहीं पकड़ पा रहे हो। अबे क्यों नहीं पकड़ पाए, बस पानी चाहिए। चलो हो गया, पकड़ सकते हैं, आ जा। क्यों बेस्ट है, आप बड़की फिश पकड़ेंगे, आ जाओ। अब तो बहुत जल्दी जल्दी बेचेंगे, टेंशन ना लो, बस अब वेट्स मार के चाहिए, वहाँ के हम कुछ देख लेंगे। यहीं बैठ करके पूरा जीवन, यहीं बैठ करके पूरा जीवन बात कर लेना। बस अब ये दो गाड़ी आ गई है, बाकी सारी गाड़ियां बाहर पार्किंग में, कोई भी यहाँ लाना हम लोग गिर जाएंगे। और जरा लाही क्यों रहे हैं, डीजे बॉय का जल्दी लो आके ठेल दिए हमको, वाह क्या ठेल दिए हमको। पानी नहीं है, वो लेक में मछली पकड़ेगा क्या? अरे तो भाई जब आ रही है तो पकड़ना, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? इंस्टेंट ये लेक नहीं है, ये ओशन ही है। हाँ ये बस काट रखा है, थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया इसको काट के। अरे बोट, बोट साइड है, बोट साइड। हाँ यहाँ पे तू पार्किंग करता है बोट्स की। आओ सारे बेचेंगे, आई है पैसे उठाएंगे, यही पैसे बेचेंगे। बस हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ बेचने, ठीक है? मैं बेचने जा रहा हूँ, ठीक है गालिन? हाँ हाँ बेच लो बेच लो, मैं पता नहीं कहाँ पकड़ा। नाइस नाइस नाइस, डॉकयार्ड, अच्छा डॉकयार्ड है, ओके। स्ट्रिंगरे मीट, ब्लू फिश, रेड फिश, ये दो। तो पहले कैश देखो, बहुत कम पैसा है मेरे पास, 7371। फ्रेंड्स प्रोफेशनल ग्राइंड बोलते हैं, अब हम लोग पागल हो, कितना इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। 7530, नाइस मैन। ये तो तू पकड़ ना, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? समझ ना रहा हूं, अरे बात है। हाँ मैं सोच रहा हूँ अभी जाऊँ, लाइक एक गाइस मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके, इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी जा रहा हूँ मैं, पहले जाके बैंक में पैसे डिपॉजिट करूँ, निकलो फिर एक एटीएम पे ले लेना प्लीज। और सब बढ़िया? तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। एक बार यार पीडी भी जाना है जरा, पीडी जा कर बात और चीत नहीं हुआ है, कोई भी नहीं है क्या अभी पीडी में? होगा कोई ना कोई, एटीएम जा रहा है। जाओ एटीएम चले जाओ, मैं भी जाने हैं। एक बार पीटी खाली घुमा दो ना, इफ दैट इज ओके। बीबी ना आंखों में रॉड दिख रहा है। हां मेरी वो हो गया, हाथ में फंस गया। शहर के लोचे, शहर के लोचे ये भी सही है भाई। हो
अरे वाह वाह वाह, गाड़ी फंस चुकी है। अरे 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 अरे, आप एक्चुअली गाड़ी से धुआं फेंक दिया, मैं वापस नहीं बैठूंगा इसमें। आई हैव अ फीलिंग, आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मेरी आंखों में। अब वैसे ही रहना, वैसे ही रहना, निकलना मत। रॉकी भाई कहाँ हो? दो पुलिस वाले हैं गाइस, हो गया इजी भाई। हाँ भाई, 40-45 मिनट का ग्राइंड है, बट ये है नहीं सर। चलो बेचते हैं, मेरा तो वैसे भी जेब। अब नेक्स्ट टाइम से वहीं पे चलेंगे, रॉकी यार्ड पे। हाँ हाँ हाँ, मेरा तो 7,000 के नीचे ऊपर आए हैं। मैंने आपको 100 दी ना, इसलिए मैं 150 कर रहा था। क्यों सर, मैंने अपनी लाइक 120 पॉकेट भरी थी, मेरे पास 14,000 आया है। यार डिपेंड करता है कि तेरे को कितना सर, आपकी किस्मत सर, सॉरी सर, बस किस्मत जीरो है मेरी। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, नहीं सर एक काम करते हैं, कल आपको मैं हवन करता हूँ। ओके ओके गाइस, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं सोने जा रहा हूँ। सभी लोगों को थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, गुड नाइट एवरीबॉडी। अबे रॉकी भाई, कल ना एक काम करना, आरजे सर के साथ तुम जाके रॉबरी कर लेना। हाँ, आरजे भाई को थोड़ा फन देना पड़ेगा, अबे उनका कौन कौन है, कौन कभी। बस रेडियो शांत, रेडियो शांत। अच्छा एक क्वेश्चन है कि मैं जो ये फिश बेट है, ये मैं स्टैश में डाल दूं कि अपने पास रखूं? सर जैसा आपकी मर्जी, आप स्टैश में डाल देता हूं, कल सोने आऊंगा, जब आऊंगा तब ले लूंगा। थोड़ी ना दी, आपके रख लो। राइट, मैं स्टैश में डाल देता हूँ, आते वक्त निकाल लूंगा। हाँ सॉरी सॉरी, ओके। अरे इसीलिए मैंने रेडियो चेंज करवाया था कि हम नॉर्मल बातें कर सके। हाँ ठीक है, चुप 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 चुप। राइट गाइस, अब गुड नाइट ऑल गाइस, थैंक यू कि तुम सोने का टाइम आ गया। हाफ ह्यूमन गॉन, तो सोने का टाइम आ गया, तो इसमें चेक चेक गुड, आई पेड वेल, आई रियली लाइक्ड इट, रियली गुड एंड आई थर्डली एंजॉयड इट, बहुत मजा आया आज फिश मैंने, एंड आल्सो एट द सेम अटेंडेड अ मीटिंग, वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, वी हैव फैमिली में जो आप रहते हो, सो यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, तो बहुत अच्छा लगता है उसे, तो मजा आया गाइस, मजा तो आया। लेट मी सी, एक मिनट देना, how to get stream quality, sound quality lit, how to get stream sound quality, it's lit. Well actually it depends upon two things, one is your voice quality and second is your mic. I'm using exclamation mark mic, you would get the mic name. How you sound is awesome. Well half human god, so have a voice quality and then
I can't talk much about that. So, like, does it require some software? No. This is just a plug and play microphone. Good night, buddy. I hope you we collapse sometime in future. More than happy to do anything, like see how things actually grow up with you. I wish you all the best. And if you're new to the channel, please do hit that like button and subscribe as well. Thank you. Thank you, half human god. Means a lot. So much. I'm trying to message him. I don't see him.
एक सेकंड देना गाइस, हाँ एक मिनट, इट्स टेकिंग अ लिटिल व्हाइल, गिव मी वन मोमेंट प्लीज. ठीक है, फाइन गाइज, द फ्रेंड हु वॉज अबाउट टू कम इज नॉट देयर, सो वट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू एक्चुअली स्टॉप यू नो दिस वन राइट नाउ. दो मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे, लेट मी जस्ट राइट, एंड वट एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एक्चुअली ब्रिंग अप वैलोरेंट. दो मिनट देना मुझे, लेट मी जस्ट दिस एंड एक पंगा है. आई मे हैव टू रीस्टार्ट द सिस्टम, नॉट शोइंग व्हाई इट डजंट स्टार्ट टुगेदर विद द सिस्टम, आई डोंट नो. हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कि हो जाए कि नहीं, यहाँ तक मुझे रिस्टार्ट करना होगा. आई विल प्ले समथिंग एल्स, आई विल ट्राई डोटा हो सम कुछ और, देखते हैं. एक बार कंफर्म कर देना सब लोग.
Hello guys, thank you so much for waiting. Welcome back. I'm confirming, you know. Going to work out with. Right, what I can do is I can show. Welcome everybody. Thank you so much. आप सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. नहीं, वैलोरेंट रीस्टार्ट करना पड़ेगा. आई कांट डू दैट. चलो शुरू करते हैं फिर. हाँ, वेलकम एवरीवन. ये भी लाइक अच्छा होगा. आप लोग देखो, मजे करो थोड़ा. इज ऑल्सो फन गेम गाइज. बहुत स्ट्रैटेजी लगती है. डोटा इज गुड गेम. आई रेकमेंड कि आप सभी लोग देखो. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Okay, सामने int heroes. Agility 2 int. Agility. Seconds remaining. Good. 5 seconds remaining. Silencer. Wired.
Who is mid? I am mid? I am mid? ये भगवान। हमें mid दे दिया गया guys। Mid आता नहीं मुझे खेलने। अब band बजेगी हमारी। अब सब लोगों को देखना, full enjoy करना, हंसना, मजाक उड़ाना मेरा। मूव है, खेलना ही नहीं आता। ये है, वो है। ये देखो साइलेंसर फिर वोटो हेलो शर्मा हेलो आई मेड अ मिस्टेक Exaltation. Any last words? You almost had that too. Silently.
Let's fly. Silently. Absolutely. A step ahead. I make my move. Silent running. Yes. Onward. Sharper. I wouldn't hear of it. Small price. I go. Yes. I go. I strike. भाई 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 मारपीट होने वाला है. My bad, यार. My bad, I did a mistake. Orbit mask. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Disrespect. I make my move. I don't even want to hear it. A step ahead. I go. Your bottom tower is under attack. वही मार रहा हूँ. एक्चुअली क्या है बताया ना, अभी ये सामने वाला जो हीरो है थोड़ा सा उसको असिस्ट मिल गया एक का, इतना बड़ा इवेट मिला मुझे बता आपको. माय गॉड कैसे मार दिया मुझे उसने.
tower is under attack. Your middle tower is under attack. Not a whisper. Come. Under attack. I wouldn't hear of it. Your top tower is under attack. I strike. Yes. बाप रे बाप मार खा रहा हूँ। Your top tower is under attack. Cut you down. Your top tower has fallen. A step ahead. I make my move. बाप रे बाप जो हाल हो गया मैं ही जानता हूँ। मार मार करके ना एकदम घर बना देंगे, मार मार करके नेता बनते हैं सब ऐसे ही। हम तो बस अरे होता है भाई बीच में। वाह क्या हीलिंग मिला था हमको, थैंक्स मैन, दिस इज लाइक What?
Just ganked. They just ganked. Nothing else. They're ganking kar rahe hain. Structures are fortified. Kal ab getting over it. Try karo mat aayega. Na na na. All outside, jump! Wow. Don't let him go, don't let him go. Attack! Not a whisper. With quickness. I make my move. Not a whisper.
The enemy's middle tower has been denied. With quickness. Yes. Silently. Yes. Your middle tower is under attack. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. सतकृष्णा बहुत स्वागत. नो प्रॉब्लम. वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम शर्मा. सतकृष्णा बहुत स्वागत. Very welcome, Siddharth. Very welcome. Your middle tower is under attack.
tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. ऑब्जेक्टिव्स पे ऑब्जेक्टिव्स लेते चले जा रहे हैं हम. Idiot you are, man. Gift of eternity. A step ahead. Seriously. I make my move. Quickening charm is a very very it's an item which can actually assist. Bahut acha use hua hai. अरे यार प्लेट मेल उसका under attack.
attack. Dire victory. नहीं खराब थी तो क्या करता, वॉइड इतना खराब खेलेगा मुझे नहीं पता था, क्या कर सकता हूँ, अकेले तो नहीं मार सकता ना। टफ ठीका unsilenced kills. भाई इतना दिमाग लगता है इस गेम को खेलने में, बाप रे बाप। एक मिनट रुक करके खेलता हूँ, एक मिनट रुक करके खेल एक मिनट देना गाइस, हाँ वन मिनट तो सॉरी गाइस आई एम बैक।
your turn to Ben. 5 seconds remaining. एक बार कंफर्म करना मेरी आवाज ठीक से आ रही है प्लीज. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Look at it go. With bones and spells I come. It's in the bag. Prepare for battle. Seconds to battle. Yes, indeed. The battle begins. TP, 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 TP. Thank you.
Get a stick, get a stick. Back. What? Come, 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 Void! Get in! Don't hit him, keep hitting him! Under attack. Done. Oh yeah.
feeling under the weather? Are fortified. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Play aggressive void. Is under attack. Your top tower has fallen stronger. Your bottom tower is under attack. Ogre, give him bloodlust, man. What are you doing? Fast, ulti him. That other guy. Take the towers. Hit fast. As an MKB. Go for Hex.
attack. I do in her. Your middle tower has fallen. I shall not report. Here I come. I shall not report. Rush, WR, go. Wind Ranger. Push, 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 fast, fast, fast. Very fine. Forward. The enemy's bottom tower has been denied. A twisted path. Bristleback has a blade mail. Be careful. Someone get Hex. Hex. My bad. Not for myself. Forward. Here I come. You shall not have told me that. Hit him, man. Get Rod of Ethos fast. Rod of Ethos. I
Then checking. Tower is under attack. Dire's structures are fortified. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Bottle of fast. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks are under attack. Yes. Get order with us. Are you an idiot? Come back, you idiot! टेंस हो रहा है मैच. Structures are fortified. Here I come. On my round. Back, guys. Back. BKB back, back. BKB back. Here I go!
enemy's top tower has fallen. Yes, indeed. Hordes win. Yes. Your middle barracks are under attack. Dire structures are fortified. The enemy's top tower has fallen. The enemy's top barracks have run away with the BKB. Get back, don't do anything. Go back. Forward. Every coin helps. Very fine. Come up. Under attack. Your middle barracks are
For what? By my bones. Your middle barracks are under attack. With vim and vigor. On my round. Good, yeah. Very fine. Yes. Yes. All's well. Yes, indeed. Bones. Radiant structures are हाँ हाँ ओके 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 ओमकार सो सॉरी ये लास्ट मैच है इसके बाद आप लाइक आई विल बी क्लोजिंग इट डाउन एज़ वेल What a game. Yes. क्या सपोर्ट खेला मैंने भाई साहब क्या सपोर्ट खेला है वाह ना बढ़िया खेला कुछ नहीं मिला मुझे बहुत देख रहे ऑनरेबल मेंशंस में आ रहा है मेरा नाम Honorable mentions में आ रहा है नाम बहुत अच्छा खेला मैंने जो मारपीट की मैंने ये बहुत अच्छा खेला उसमें बहुत सॉलिड awesome game गाइस थैंक यू सो मच आज के स्ट्रीम में आने के लिए इट वाज फन एंड आई रियली एंजॉयड आई थॉरली एंजॉयड द गेम्स आल्सो एंड प्लस आरपीबी और टोटा भी
सो आप लोग ऐसे ही कमेंट करके बताते रहिएगा, लाइक यू नो वंस यू सी दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इफ यू लाइक समथिंग अबाउट इट, लाइक आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा एंड लेट मी नो. टिल देन टेक केयर एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल. कल मिलते हैं. गुड नाइट.